नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 7 भी, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स इज 12 मोर देन द स्मॉलर एंड द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 10, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो वो दो नंबर्स हैं उनमें से जो ग्रेटर है वो 12 ज्यादा है किससे, स्मॉलर से, ठीक है। एंड इन दोनों नंबर का जो सम है वो कितना है, 10 है, तो हमें नंबर बताने हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है ना वो 12 ज्यादा दिया हुआ है किससे, स्मॉलर से। मीन्स अगर मुझे यहाँ पे स्मॉलर पता लग जाए तो मैं ग्रेटर आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि जो ग्रेटर है वो स्मॉलर से 12 ज्यादा है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं हम यहाँ पे ना, स्मॉलर को लेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, लेट द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या होगा, मान लो एक्स होगा, देन ग्रेटर नंबर। तो जो वो ग्रेटर नंबर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इससे 12 ज्यादा, ठीक है ना। यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो स्मॉलर नंबर से जो ग्रेटर नंबर है वो कितना है, 12 ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं राइट कर लूंगा एक्स प्लस 12, स्मॉलर नंबर एक्स है तो ग्रेटर नंबर इससे 12 ज्यादा है, मीन्स एक्स प्लस 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है कि जो वो दोनों नंबर है उनका जो सम है वो कितना है, 10 है। तो पहला नंबर हमारे पास क्या है, एक्स है, दूसरा नंबर एक्स प्लस 12 है। तो मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, x एंड x प्लस 12 को, ठीक है। इनका सम कितना दिया हुआ है, यहाँ पे इसने 10 दिया हुआ है, तो ऐड कर लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा, एंड प्लस 12 इट इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x इट इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर देंगे कॉन्स्टेंट को, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके हो जाएगा ये माइनस का, तो 2x इट इज इक्वल टू बचा मेरे पास कितना, माइनस 2। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इसको ट्रांसपोज करेंगे उधर, मल्टीप्लाई में है तो माइनस 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इट इज इक्वल टू बचेगा यहाँ पे माइनस 1। मीन्स जो मेरे पास स्मॉलर नंबर है वो कितना है, माइनस 1 है। ग्रेटर नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर है इससे 12 ज्यादा, मीन्स x प्लस 12 था, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई है माइनस 1 और ये है 12, तो यहाँ से बचेगा 11। तो जो वो दो नंबर होंगे ना वो होंगे माइनस 1 एंड 11। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। वन नंबर इज 5 टाइम्स अनदर, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर द रिमाइंडर विल बी 3 टाइम्स द स्मॉलर, फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है कि जो दो नंबर हैं उनमें से एक जो है वो दूसरे का क्या है, 5 टाइम्स है, ठीक है। मीन्स कि अगर हम यहाँ पे एक नंबर का पता लगा लेते हैं तो हम दूसरा नंबर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा, उसका 5 टाइम्स होगा, मीन्स 5x हो जाएगा। तो यहाँ से ग्रेटर कौन सा हुआ इनमें से, ये 5x ग्रेटर हुआ और x क्या होगा, स्मॉलर हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से ग्रेटर में से 18 निकाल लेते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर के इक्वल होगा, तो हमें नंबर बताने। तो क्या कर लेते हैं भाई, लेट कर लेते हैं, लेट वन नंबर, हमारे पास एक नंबर क्या होगा, मान लो x होगा, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर इसका 5 टाइम्स होगा, तो 5 टाइम्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या दिया हुआ है कि जो ग्रेटर नंबर है ना उसमें से हम 18 माइनस कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम द ग्रेटर नंबर, ये हमने माइनस कर दिया, और जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, 3 टाइम्स होगा किसका, स्मॉलर नंबर का। स्मॉलर नंबर यहाँ पे यही है, वन नंबर जो है, ठीक है। तो इक्वेशन बन गई यहाँ से, तो इसको कर लेते हैं हम, देखो 5x इधर ये आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, एंड ये 18 उधर ट्रांसपोज हो गया, हो जाएगा किसका, प्लस का। तो यहाँ पे माइनस था, उधर जाके हो जाएगा प्लस का। तो 5x में से 3x जाएगा तो बचेगा 2x, इट इज इक्वल टू ये रहेगा 18। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, x यहाँ पे 2 देखिए मल्टीप्लाई में, उधर जाकर ट्रांसपोज होगा तो हो जाएगा डिवीजन में, तो 2 9 जा 18, एक्स इट इज इक्वल टू आएगा कितना, 9, ठीक है। मुझे एक नंबर मिल गया, वन नंबर मिल गया x, तो जो दूसरा नंबर है वो कितना है, वो है 5x, तो ये हो जाएगा 5 × 9, कितना आ गया, ये आ गया 45। तो मेरे पास जो दोनों नंबर होंगे वो होंगे 9 और 45। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं इसका पार्ट नंबर 1। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हुज सम इज 108। तो हमें यहाँ पे ऐसे 3 लगातार नंबर बताने हैं जिनका सम कितना हो, 108 हो। तो वो कौन से 3 नंबर होंगे, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इनको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द फर्स्ट नंबर, कि मान लीजिए फर्स्ट नंबर क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, देन सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर होगा इसका अगला, मींस इसमें एक ज्यादा कर देंगे हम तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1। उसी तरह से हमारे पास जो थर्ड नंबर है वो क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा इसे सेकंड में एक ज्यादा, क्योंकि लगातार चल रहे हैं, अगर ये हमारा 2 होगा तो ये 3 होगा, और ये कितना होगा, 4 होगा। तो इसलिए ये x था तो इसमें एक ज्यादा किया हमने तो x प्लस 1, इसमें एक ज्यादा करेंगे x प्लस 1 में तो ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने दिया हुआ है कि इन
जो हमारे पास ये तीनों लगातार नंबर होंगे इनका सम होगा 108। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास कितना, एक्स, अगला है एक्स प्लस वन और उससे अगला है एक्स प्लस टू, तो ये कितने हो जाएंगे, देखो कितना है सम, 108 है। तो एक्स एक्स को ऐड कर लेते हैं हम, 1 2 3, तो हो जाएगा 3x, यहाँ पे 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, एंड इट इज इक्वल टू 108। 3x इट इज इक्वल टू, इस 3 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो 108 यहाँ पे है प्लस का, उधर जाके हो जाएगा किसका, माइनस का। तो 3x इट इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 105, 108 में से 3 जाएगा तो 105 बचेगा। x इट इज इक्वल टू 3 को ट्रांसपोज कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 3 1 जा 3 3 जा 3 5 जा। ठीक है, तो x इट इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, 35। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास आ गया कितना, 35। अगला नंबर है x प्लस वन, कितना है, x प्लस वन है, तो x प्लस वन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 35 + 1, तो ये हो जाएगा 36। उससे अगला क्या है, ये है x प्लस टू, तो इसमें x की वैल्यू कितनी है, 35 रख देंगे हम यहाँ पे, एंड प्लस टू, तो ये हो जाएगा 37। तो मेरे पास वो तीनों नंबर जो आए हैं वो कितने हैं, 35, 36 एंड 37, जिनका जो सम होगा, ठीक है, ऐसे तीन लगातार नंबर जिनका सम हमारे पास क्या होगा, 108 होगा। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हुज सम इज 93। तो हमको यहाँ पे तीन लगातार ऐसे ओड नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 93 हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट ओड नंबर है उसको लेट कर लूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, लेट फर्स्ट ओड नंबर इट इज इक्वल टू एक्स, कि मान लीजिए जो पहला ओड नंबर है वो होगा एक्स। तो अभी जो सेकेंड ओड नंबर है वो क्या हो जाएगा, तो मैं राइट कर लेता हूँ, देन सेकेंड ओड नंबर, तो सेकेंड ओड नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस टू। ध्यान रखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं लगातार ओड नंबर्स की, ठीक है। अब ये एक्स प्लस टू ही क्यों होगा, ये यहां पे बताता हूं मैं। देखिए जो ओड नंबर्स है ना आपके, वो क्या होते हैं, वो होते हैं इस तरह से 1 3 5 7 9, ठीक है। तो इनमें कितने कितने का गैप होता है, लगातार ओड नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पे देखिए 1 से 3 तक 2 का गैप, यहां से यहां तक 2 का गैप, इसमें 2 का और इसमें 2 का। तो इससे हमें क्या मिलता है कि जो ओड नंबर्स होते हैं लगातार उनमें 2-2 का गैप मिलता है हमको। मान लीजिए मैं यहां पे x की जगह ले लेता हूं 11, कि मेरा पहला ओड नंबर मान लो 11 है, तो अगला क्या होगा, सीधा सा 2 ऐड करेंगे 13 होगा, लगातार ओड नंबर हमारा 13 आएगा, उससे अगला 15 आएगा, इस तरह से हमारे ये ओड नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है सेकंड ओड नंबर में कि वो एक्स प्लस टू होगा। तो थर्ड ओड नंबर क्या हो जाएगा, तो थर्ड ओड नंबर इसमें 2 प्लस कर देंगे x प्लस टू में, तो x प्लस टू प्लस टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस फोर। ये क्यों किया, पहला ओड नंबर 11 था, दूसरा 13, 2 ऐड किया, इसमें 2 ऐड किया तो ये 15। अगर मैं यहां से बात करूं तो कितना ऐड किया है, टोटल 4 ऐड किया है, इसलिए यहां पे इसमें 4 ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है यहां पे, कि इनका सम 93 है, तो मैं राइट कर लेता हूं x इन तीनों को प्लस में, ठीक है ना, प्लस में x प्लस टू एंड प्लस में x प्लस 4, इट इज इक्वल टू 93। ऐड कर लेते हैं तो यहां पे वेरिएबल्स x प्लस x प्लस x, ये हो जाएगा 3x, कांस्टेंट पार्ट 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 6, एंड यहां पे ये 93। तो 3x इट इज इक्वल टू, यहां पे मैं राइट कर लेता हूं 93, 6 को करेंगे ट्रांसपोज तो प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 3x इट इज इक्वल टू आ जाएगा 87। x इट इज इक्वल टू 87, यहां पे 3 मल्टीप्लाई में है, उधर इसको डिवाइड करेगा तो कट क्या जाएगा यहां पे, 3 2 6, 3 9 27, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ओड नंबर x, ठीक है ना, क्या था हमारे पास, फर्स्ट ओड नंबर x, तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो फर्स्ट ओड नंबर ये आ गया 29। सेकंड क्या हो जाएगा भाई, सेकंड ओड नंबर हो जाएगा हमारा x प्लस टू, मीन्स 29 + 2, तो ये हो जाएगा 31। थर्ड ओड नंबर क्या है, थर्ड ओड नंबर, तो ये हो जाएगा x प्लस फोर, तो 29 + 4, ये हो जाएगा 33। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे लगातार ओड नंबर्स होंगे जिनका सम कितना होगा, ये 93 होगा, तो वो होंगे 29, 31 एंड 33। इसके थर्ड पार्ट में दिया गया है फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हुज सम इज 246। तो हमको यहाँ पे लगातार तीन ऐसे इवन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 246 हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले जो फर्स्ट इवन नंबर होगा उसको लेट कर लूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, लेट फर्स्ट इवन नंबर इट इज इक्वल टू एक्स,
कि मान लीजिए जो पहला इवन नंबर होगा वो होगा x, देन सेकंड इवन नंबर क्या हो जाएगा, तो मैं राइट करता हूं देन सेकंड इवन नंबर, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा x प्लस टू। एक्स प्लस टू ही क्यों, क्योंकि देखिए जो इवन नंबर्स होंगे ना वो दो दो के गैप में होते हैं। कैसे दो दो के गैप में होते हैं, जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं 10 इवन नंबर है मेरा, तो अगला इवन नंबर क्या होगा, वो होगा 12, ठीक है, उससे अगला क्या होगा, लगातार की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उससे अगला होगा 14, उससे अगला होगा 16, तो इन सभी में ना 2-2 का गैप है सब में, 10 और 12 के बीच में 2 का, 12 और 14 के बीच में 2 का, 14 और 16 के बीच में 2 का, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पे लिया है पहला ओड नंबर तो x होगा और दूसरा क्या होगा भाई, उससे 2 ज्यादा होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा x प्लस 2। तो थर्ड क्या हो जाएगा, तो मैं राइट कर लेता हूं थर्ड इवन नंबर, तो ये इससे 2 ज्यादा हो जाएगा, तो x प्लस 2 में 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है ना। ये कैसे किया, जैसे यहां पे मेरा आ गया 12, ठीक है, तो 12 से अगला क्या होगा 2 ऐड करके, ये होगा 14, और उससे 2 ऐड करके ये होगा 16, ठीक है, इस तरह से होगा। अब देखिए यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि इन तीनों लगातार जो तीनों इवन नंबर हैं हमारे, इनका समय 246, तो मैं राइट कर लेता हूं इन तीनों को x प्लस में x प्लस 2 एंड प्लस में x प्लस 4, इट इज इक्वल टू हो जाएगा 246। ऐड कर लेते हैं x x एंड x, तो तीन बार है तो ये हो जाएगा 3x एंड प्लस में 2 और 4 6, नंबर्स को ऐड कर लिया मैंने अभी, तो 246 राइट कर लेते हैं 3x इट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 246। 6 को ट्रांसपोज कर देंगे तो यहां प्लस का है उधर माइनस का होगा, तो 3x इट इज इक्वल टू आ जाएगा 240। x इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 डिवाइड बाय 3, 3 यहां पे मल्टीप्लाई में था, ट्रांसपोज करके हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है, तो 3 8 24, तो यहां पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 80। तो जो फर्स्ट इवन नंबर है वो क्या आ गया, राइट कर लेते हैं फर्स्ट इवन नंबर, तो ये है हमारे पास 80। सेकंड इवन नंबर ये क्या है, यहां पे x प्लस 2 है तो मैं राइट करता हूं x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 80 प्लस में 2 82, ठीक है। थर्ड इवन नंबर, तो थर्ड इवन नंबर ये है हमारे पास x प्लस 4, ठीक है, तो x प्लस 4 है तो इसका मतलब क्या है कि ये हो जाएगा 80 प्लस में 4 84, तो 80 82 एंड 84 ये वो लगातार तीन इवन नंबर्स हैं जिनका सम 246 होगा, तो वो क्या है 80 82 एंड 84। पार्ट नंबर 4 देखिए यहां पे क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 777, फाइंड दीज मल्टीपल्स। तो मुझे यहां पे क्या बताना है, ऐसे तीन लगातार 7 के मल्टीपल बताने हैं जिनका सम कितना हो 777 हो, ठीक है, तो यहां पे लेट कर लेते हैं हम इसको, तो ये है पार्ट नंबर 4, लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7, लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 कि मान लीजिए 7 का जो फर्स्ट मल्टीपल है वो क्या होगा, ये होगा 7 × x मीन्स 7x, ठीक है। देन यहां पे जो सेकंड मल्टीपल है, ठीक है, सेकंड मल्टीपल ऑफ 7 ये क्या बनेगा 7 × ये हो जाएगा x प्लस 1, जो आएगा मेरे पास कितना 7x प्लस 7 मल्टीप्लाई करने पर। देन थर्ड मल्टीपल, तो थर्ड मल्टीपल क्या हो जाएगा 7 का, ये हो जाएगा 7 × x प्लस 1 के बाद अगला जो लगातार है वो क्या होगा x प्लस 2 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 7x प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। इसने क्या बोला है कि जो ये 7 के मल्टीपल हैं, ठीक है ना, लगातार मल्टीपल है 7 के, इनका जो सम है वो कितना आना चाहिए 777 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कर लेते हैं हम फर्स्ट मल्टीपल 7x, इसका दूसरा अगला मल्टीपल है 7x प्लस 7, तीसरा है ये हो जाएगा 7x प्लस 14, कितना आना चाहिए सम, समाना चाहिए 777। इसको 7 जो हमारे पास x वेरिएबल है इनको ऐड कर लेते हैं, x वाली टर्म है, तो ये हो जाएंगी कितनी 21x प्लस 14 एंड 7, ये हो जाएगा 21, इट इज इक्वल टू 777। तो 21x इट इज इक्वल टू यहां से 777, इसमें मैं 21 को ट्रांसपोज कर देता हूं उधर, यहां पे प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 21x इट इज इक्वल टू 7 में से 1 गया 6, 7 में से 2 गया 5, तो 756 आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल लेता हूं, 756 को डिवाइड कर देता हूं किससे, 21 से, क्योंकि 21 को मैं यहां से ट्रांसपोज करूंगा तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि यहां पे है मल्टीप्लाई में। x इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 जा, ठीक है ना, एंड 21 3 जा 63, तो यहां से 12 बचा, 12 और 6 हो जाएगा टोटल 126, तो
21 छक्के 126, ठीक है, 21 सिक्स 126 तो आएगा 36। मल्टीपल्स निकाल लेता हूं मैं, एक्स की वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी है, 7 के मल्टीपल्स जो हैं वो क्या होंगे लगातार 7x, की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से देखिए, 7 इंटू एक्स की वैल्यू डाल देता हूं यहां पे 36, तो ये हो जाएगी 7 6 42 एंड 7 3 21 और 4 25, तो 252 बना फर्स्ट। अगला जो है वो क्या है, 7x+7 है, ठीक है, 7x की मैं निकाल चुका हूं, 252 एंड प्लस 7 कर देता हूं इसमें, तो ये हो जाएगा 259, ये अगला हो गया। इसके बाद ये है 7x+14, तो 7x की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पे, 7x की 252 है, मैं रख देता हूँ इसको, 14 ऐड कर देता हूँ इसमें, तो 4 2 6, 5 1 6 एंड ये 2 266। तो मेरे पास 7 के जो तीन लगातार मल्टीपल्स होंगे जिनका सम कितना होगा, 777 होगा, तो वो कौन कौन से होंगे, 252, 259 एंड 266, ऐसे तीन लगातार 7 के मल्टीपल्स होंगे जिनका सम 777 होगा, ठीक। अगला है इसका क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड 534 इंटू 3 पार्ट्स सच दैट द सेकंड पार्ट विल बी 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट एंड द थर्ड विल बी 18 मोर देन द फर्स्ट। तो यहां पे मुझे क्या करना है, 534 को ऐसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है जिससे कि जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट के दो गुने से 32 कम रहे, ठीक है ना, जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट के दो गुने से कितना कम रहे, 32 कम रहे। मींस अगर मुझे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पता चल जाता है तो सेकंड पार्ट मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट के दो गुने से 32 कम है। उसी तरह से जो थर्ड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट के से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो यहाँ भी अगर मुझे फर्स्ट पार्ट पता चल जाता है तो मैं थर्ड पार्ट आसानी से निकाल सकता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे मिल जाता है फर्स्ट पार्ट, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट हो कितना 2, तो थर्ड पार्ट कितना हो जाएगा इससे 18 ज्यादा, मींस 18+2 तो हो जाएगा 20। अगर फर्स्ट पार्ट 2 होगा तो जो थर्ड पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को ही मैं लेट कर लेता हूँ सबसे पहले, जिससे कि मैं बाकी पार्ट्स को निकाल सकूँ। तो यहाँ पे देखिए, लेट द फर्स्ट पार्ट, मान लीजिए जो फर्स्ट पार्ट है वो कितना होगा, एक्स होगा। देन सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है, वो क्या है, इस फर्स्ट पार्ट के दो गुने से 32 कम है, ठीक है। तो यही राइट करूंगा मैं, फर्स्ट पार्ट के दो गुने से 32 कम है। एंड थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है फर्स्ट पार्ट से 18 ज़्यादा, एक्स प्लस 18, ठीक है। यही तो दिया हुआ है इसने कि जो थर्ड पार्ट है वो इससे क्या है, 18 ज़्यादा है, ठीक है ना, फर्स्ट से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या दिया हुआ है देखिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, देखिए 543 को हमने तीन पार्ट में, 34 को हमने किस में डिवाइड करना था, तीन पार्ट में डिवाइड करना था। तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों पार्ट्स का जो सम है वो कितना होगा, 534 होगा। तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, x प्लस के 2x-32 एंड प्लस के x प्लस 18, इट इज इक्वल टू 534, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इनको हम ऐड कर लेते हैं x वाली टर्म को, तो यहाँ पे 2x 3x एंड 4x, तो 4x हो जाएगा एंड यहाँ पे 32 एंड 18, ये माइनस का है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 14, इट इज इक्वल टू 534। कॉन्स्टेंट को हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 4x इट इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का, उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 14, माइनस का 14 था, ट्रांसपोज होके हो गया प्लस का, तो 4x इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 548, x इट इज इक्वल टू 548 एंड डिवाइड बाई 4, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 4 1 4, ठीक है, 4 3 12 एंड 4 7 28, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 137। तो फर्स्ट पार्ट मुझे मिल चुका है 137, तो अगला पार्ट क्या हो जाएगा, ये है 2x-32, ठीक है। तो x की वैल्यू 137 है, तो 2 × 137-32, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 7 14, 2 3 6 1 7 एंड 2 1 2 एंड -32, तो 4 में से 2 गया 2, 7 में से 3 गया 4 एंड ये, तो ये आ गया 242। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है x प्लस 18, तो x की वैल्यू मेरे पास 137 है, इसमें 18 ऐड कर देंगे तो थर्ड पार्ट आ जाएगा, तो 8 7 15, 3 1 4 1 5 एंड ये 1, तो ये 155 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो 137 होगा, सेकंड पार्ट 242 एंड थर्ड पार्ट जो है 155 होगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5, 3 times द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स डिक्रीज बाय 7 इक्वल्स ट्वाइस द लार्जेस्ट वन, फाइंड द नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है कि जो तीन लगातार ओड नंबर्स होंगे हमारे पास, उसमें जो सबसे छोटा होगा उसके 3 times में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो वो इक्वल होता है उन ओड नंबर में जो लार्जेस्ट होगा उसके ट्वाइस के।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास ये ओड नंबर्स होंगे इनको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास वो लगातार तीन ओड नंबर हैं वो कौन कौन से होंगे, ठीक है, और यही हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो क्या कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, कि मान लीजिए फर्स्ट नंबर क्या होगा, ये होगा 2x+1, ठीक है, लेट द फर्स्ट ओड नंबर। एंड सेकेंड नंबर होगा हमारे पास 2x+3, एंड अगला होगा हमारे पास थर्ड नंबर 2x+5। इसमें इसने क्या कहा है कि जो यहाँ पे सबसे छोटा होगा ना, सबसे छोटा होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑफ थ्री कंजेक्टिव नंबर्स, तो ये होगा 3 times, इसके 3 times में से हम 7 माइनस करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा यहाँ पे, जो ये फर्स्ट नंबर है 2x+1 वाला, ठीक है, इसका हम 3 times कर देते हैं, 3 times ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट होगा। इसमें से हम कितना माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, 7 माइनस कर रहे हैं, और ये इक्वल होगा किसके, इसने बोला है ट्वाइस द लार्जेस्ट वन, ठीक है, ये इक्वल होगा ट्वाइस द लार्जेस्ट वन, तो लार्जेस्ट कौन सा इसमें से, ये है 2x+5, इसका ट्वाइस होगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ से। तो इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं पहले, यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में है 3, तो ये हो जाएगा 3 2 6x एंड प्लस 3 1 3 एंड -7 इट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 2 2 4x एंड ये +10, ये हो जाएगा 6x-4 इट इज इक्वल टू 4x+10। एक्स वेरिएबल वाले हम इकट्ठा कर लेते हैं टर्म, तो 6x ये इधर ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा -4x इट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ से 4 ट्रांसपोज कर देते हैं तो माइनस का है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस का, 6x में से 4x गया तो ये बचेगा 2x इट इज इक्वल टू 10 और 4 14, x इट इज इक्वल टू 14, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में 2 7 जाए, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 7, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेरे पास क्या आ गया, 7 आ गया, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए x की वैल्यू मेरे पास 7 आ गया तो फर्स्ट नंबर होगा 2x+1, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू रख देता हूँ तो ये 2 × 7+1, तो 7 2 14 और 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो फर्स्ट नंबर 15 हो गया। अगला नंबर मेरे पास क्या है, 2x+3 है, तो ये क्या निकलेगा, 2x की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 14 है, ठीक है, 14 है, तो 14+3 ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। एंड अगला क्या है, ये है 2x+5, तो ये कितना हो जाएगा, 2x+5, तो ये हो जाएगा 2x की वैल्यू 14 है एंड 14+5 ये हो जाएगा 19, तो वो नंबर होंगे मेरे पास 15, 17 एंड 19। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6, वन नंबर इज 7 मोर देन अनदर एंड इट्स स्क्वायर इज 77 मोर देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, व्हाट आर द नंबर्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो एक नंबर है वो दूसरे से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, मीन्स अगर मुझे यहाँ पे एक नंबर पता चल जाता है तो मैं दूसरा आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि दूसरा नंबर पहले वाले से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ठीक है। और इसने क्या कहा है कि यहाँ पे जो इसका स्क्वेयर होगा वो 77 ज्यादा होगा किससे, स्मॉलर के स्क्वेयर से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट वाला नंबर लेट कर लेता हूँ, देखिए क्या है, लेट द वन नंबर, कि मान लीजिए जो फर्स्ट नंबर है आपका क्या होगा, x होगा, तो दूसरा नंबर क्या है, इससे 7 ज्यादा है तो वो हो जाएगा x+7, तो यहां से देखिए ये स्मॉलर रहेगा और ये ग्रेटर रहेगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या दिया है कि जो इसका हमारे पास जो ये अनदर नंबर है इसका जो स्क्वेयर है वो 77 ज्यादा है, ठीक है ना, इसका जो स्क्वेयर होगा वो क्या होगा, 77 ज्यादा होगा क्या, इसके स्क्वेयर से, इसके स्क्वेयर से, इसके स्क्वेयर से, तो मैं इसको इक्वल करने के लिए इसमें जोड़ देता हूँ 77, ठीक है। ये ठीक इसी तरह से है जैसे मैं कहूँ यहाँ आपसे कि जो 12 है वो 10 से 2 ज़्यादा है, 12 जो है वो 10 से 2 ज़्यादा है, तो अगर मुझे इसको इक्वेशन में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको 12 इट इज इक्वल टू 10, 12 जो है 2 ज़्यादा है किससे, 10 से, बट ये इक्वल नहीं है, इक्वल करने के लिए क्या करूंगा मैं इसमें ऐड करूंगा, 12 जो है 2 ज़्यादा है किससे, 10 से, तो मैंने इसमें जोड़ने के बजाय किसमें जोड़ा है, इसमें, जिससे कि इसको इक्वल कर सकूँ, इसलिए इसको इक्वल करने के लिए हम इसमें जोड़ने के बजाय किसमें जोड़ेंगे, इस वाले इसमें जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर में जोड़ देंगे, ठीक है, जो हमारा स्मॉलर नंबर है इसमें जोड़ देंगे 77, तो यहाँ से इसको स्क्वेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 49 एंड 2ab, 2 7 14x, ठीक है, इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 77, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचा 14x प्लस 49 इट इज इक्वल टू 77, ये बचा 14x इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 77 में से मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तो ये 49 में पहुंच जाएगा, तो ये 14x इट इज इक्वल टू 17 में से 9 गया तो ये
17 में से 9 गया तो 8, एंड यहाँ पे 6 में से 4 गया 2. x इट इज इक्वल टू हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 14, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तो पहुंच जाएगा डिवीजन में, क्योंकि अभी क्या है ये मल्टीप्लाई में है. x इट इज इक्वल टू आ जाएगा 14 टू जा 28, तो 2 आ जाएगा. ठीक है, फर्स्ट नंबर है मेरे पास x, तो ये x की वैल्यू तो हमारे पास 2 ही आई है. सेकेंड नंबर क्या है मेरे पास, x प्लस 7, तो x की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 प्लस 7 मेरे पास हो जाएगा ये 9. नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7, द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर बाय 36, फाइंड द नंबर्स. तो यहां पे हमें दिया गया है कि दो लगातार इवन नंबर्स जिनमें से जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर छोटे नंबर के स्क्वायर से 36 ज्यादा है, तो यहां पे हमें वो दो लगातार इवन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो देखिए यहां पे जो दो लगातार इवन नंबर्स हैं उनमें से मैं फर्स्ट नंबर को लेट कर लेता हूं पहले. तो देखिए यहां पे मैंने राइट कर लिया है लेट फर्स्ट इवन नंबर इट इज इक्वल टू एक्स, कि मान लीजिए दो लगातार इवन नंबर्स में से मेरा जो पहला इवन नंबर है वो है एक्स, तो सेकंड इवन नंबर क्या हो जाएगा, मैं राइट कर लूंगा यहां पे देन सेकंड इवन नंबर इट इज इक्वल टू, तो सेकंड इवन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू. तो ये एक्स प्लस टू क्यों होगा, क्योंकि जो इवन नंबर्स होते हैं ना वो दो दो के गैप से होते हैं. किस तरह से होते हैं, जैसे पहला इवन नंबर हो गया मान लीजिए 2, तो अगला होगा 4, उससे अगला 6, उससे अगला 8, तो इन सभी में 2 का गैप है. ठीक है, तो अगर मैंने फर्स्ट इवन नंबर x लिया है तो दूसरा में मुझे लेना पड़ेगा क्या x प्लस 2, क्योंकि इवन नंबर्स में 2 का गैप होता है अगर हम लगातार की बात करें तो. ठीक है, तो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है हमको, ये दिया गया है कि बड़े नंबर का जो स्क्वायर है वो छोटे नंबर के स्क्वायर से 36 ज्यादा होगा. इनमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा, यही होगा x प्लस 2, तो यहां पे मैं राइट कर लूंगा बड़े नंबर का स्क्वायर, और यहां पे मैं राइट कर लूंगा छोटे नंबर का स्क्वायर. ठीक है, तो बड़े नंबर का स्क्वायर इस छोटे नंबर के स्क्वायर से 36 ज्यादा है, बट मुझे यहां पे इक्वेशन बनानी है इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं करने के बजाय 36 इसमें ऐड कर देता हूं. ठीक है, इक्वल करने के लिए इनको, तो क्या करते हैं इसको ओपन कर लेते हैं यहां पे हम, तो ये क्या हो जाएगा यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर. ठीक है, एंड प्लस में बी स्क्वायर एंड प्लस में 2ab, तो 2 ये a और यहां पे ये b, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस में 36. इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां पे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एंड ये आ जाएगा हमारे पास, अच्छा बी यहां पे क्या था 2 था ये, ठीक है ना, तो 2 टू जा 4x इट इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस में 36. तो यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में सेम साइन के नंबर्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, तो यहां पे आ जाएगा 4x प्लस में 4 इट इज इक्वल टू 36. तो अभी राइट कर लेते हैं 4x इट इज इक्वल टू 36, एंड इधर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, यहां पे प्लस का है, तो 4x इट इज इक्वल टू आ जाएगा 32. x इट इज इक्वल टू आ जाएगा 32 अपॉन 4, तो कट कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 4 8 जा 32, तो x इट इज इक्वल टू आ गया 8. तो ये तो है हमारा फर्स्ट इवन नंबर, तो फर्स्ट इवन नंबर हमारा ये है, तो ये हो गया 8. सेकंड इवन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड इवन नंबर तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 था यहां पे हमारा x प्लस 2, तो इसमें 8 प्लस 2 कर लेंगे, ठीक ना, x की वैल्यू तो ये हो जाएगा 10. तो वो हमारे दो इवन नंबर्स हैं 8 एंड 10. नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर, इफ 5 इज एडेड टू बोथ पार्ट्स द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज इक्वलेंट टू 4/5, फाइंड द फ्रैक्शन. तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है कि एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है. तो यहां पे देखिए अगर मुझे न्यूमरेटर पता चल जाता है तो मैं डिनोमिनेटर आसानी से निकाल सकता हूं, इसलिए मैं यहां पे न्यूमरेटर को ही लेट करूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो उससे 3 ज्यादा होगा. ठीक है, अब इसने यहां पे आगे दिया हुआ है कि अगर मैं उसके दोनों पार्ट्स में मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 ऐड कर देता हूं तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 4/5 आएगा. तो मुझे यहां पे फ्रैक्शन बतानी होगी, तो हमें लेट क्या करना है, यहां पे न्यूमरेटर लेट करना है. ठीक है, तो यहां पे मैंने राइट कर लिया है इसको लेट द न्यूमरेटर, कि मान लीजिए न्यूमरेटर होगा x एंड डिनोमिनेटर उससे 3 ज्यादा होगा, तो न्यूमरेटर कितना x है और इससे 3 ज्यादा हो जाएगा हमारा x प्लस 3. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा इसका, ये हो जाएगा x अपॉन के x प्लस 3. इसने बोला है कि मैं दोनों ही पार्ट में मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 5 ऐड कर देता हूं, तो यहां पे मैंने न्यूमरेटर में 5 ऐड किया, इसमें भी 5 ऐड किया, तो जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 4/5 के इक्वल. ठीक है, तो इट इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 4/5. इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये x प्लस 5 अपॉन में ये हो जाएगा 3 प्लस 5, 8 हो जाएगा. ठीक है, तो ये 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से
ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 5 एंड इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 8। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। तो 5x प्लस का साइन, 5 5 25, 4 इंटू एक्स ये हो जाएगा 4x एंड प्लस 4 इंटू 8 32। तो x वेरिएबल वाले इकट्ठा कर लेते हैं हम टर्म, तो 5x 4x इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 4x एंड ये 32 है, 25 उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो 5x में से 4x गया तो x बचा, इट इज इक्वल टू ये बचेगा कितना 7। तो x की जो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 7 आ गई, मीन्स न्यूमरेटर मेरे पास कितना आ गया, 7 आ गया। तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर है देखो ये तो हो गया न्यूमरेटर, ठीक है, तो डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे, डिनोमिनेटर है एक्स प्लस 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3। तो 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। फ्रैक्शन पूछा है इसने, तो फ्रैक्शन क्या होगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना है, ये है 7 एंड डिनोमिनेटर कितना है, ये है 10। तो फ्रैक्शन आ गई मेरे पास 7 अपॉन 10। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 50 एंड द रेशो ऑफ दीज इंटीजर्स इज 1:3, फाइंड दीज इंटीजर्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है कि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 1:3 में है एंड उन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए, तो वो दोनों इंटीजर्स क्या होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं उन इंटीजर्स को किस फॉर्म में, जिसमें इनका रेशो दिया हुआ है। तो देखो कैसे लेट करेंगे हम इसको, यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी, टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड 3x की, मान लो वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, x एंड 3x होंगे, क्योंकि ये किस रेशो में थे, 1:3 में थे, इसलिए मैंने इसको लेट किया है, ठीक है ना, कि वो x एंड 3x होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे इसने बोला है कि उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे राइट कर दूंगा मैं इसको, बड़े वाले इंटीजर में से छोटा वाला इंटीजर माइनस कर दूंगा, तो इन दोनों इंटीजर का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 50 होगा। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, तो देखो 3x में से x माइनस होगा तो बचेगा 2x, इट इज इक्वल टू 50 एंड यहाँ से जो 2 है वो ट्रांसपोज होकर हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो 50 अपॉन 2। कट कर लेते हैं, 2 2 4, 2 5 10, तो x इट इज इक्वल टू आ गया 25। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटीजर मेरे पास आ चुका है, क्योंकि मैंने पहले क्या लेट किया था, x लेट किया था, दूसरा क्या था 3x, तो 3x क्या हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा हमारा 3 × 25, तो ये 75 हो जाएगा। तो वो दोनों इंटीजर 25 एंड 75 होंगे जो 1:3 में होंगे और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 50 होगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-डिजिट नंबर इज 7, द नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27, फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है कि एक 2-डिजिट का नंबर है एंड उसके डिजिट्स का सम कितना है, 7 है, एंड यहाँ पर अगर हम उन डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो जो नंबर बनता है वो ओरिजिनल नंबर से कितना होता है, 27 ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हमें नंबर बताने हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए वो 2-डिजिट का नंबर क्या है नहीं पता, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, उसके डिजिट्स को लेट कर लेते हैं, ठीक है, कि उसकी यूनिट डिजिट ये होगी एंड टेंस डिजिट ये होगी। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ इसको, लेट यूनिट्स डिजिट, ठीक है, मान लीजिए यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी, एक्स होगी, तो टेंस डिजिट क्या होगी, टेंस डिजिट हो जाएगी इसकी 7 माइनस एक्स। 7 माइनस एक्स ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, क्योंकि इन दोनों का जो सम है एक्स एंड 7 माइनस एक्स का, वो कितना आता है, 7 आता है। उसने यही तो कहा है कि उस नंबर की दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 7 कैसे, यहाँ पे एक्स प्लस का, यहाँ पे माइनस का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 7 बचेगा, ठीक है। इसलिए हमारी यूनिट डिजिट हमने एक्स लेट की है, तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगी, 7 माइनस एक्स हो जाएगी। नंबर फॉर्म बाई दीज डिजिट्स, तो इन दोनों डिजिट से जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 10 × 10 डिजिट। टेंस प्लेस पर जो डिजिट होगी उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 × 7 माइनस एक्स एंड प्लस वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको ले लेंगे, तो वंस प्लेस पे क्या होगी, यहाँ पे एक्स होगी। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 10 × 7 क्या हो जाएगा, 70 एंड माइनस 10 × x हो जाएगा 10x एंड प्लस एक्स। कर लेते हैं इसको यहाँ पे, तो ये 70 एंड माइनस 10x एंड प्लस एक्स बचेगा हमारे पास माइनस 9x। नंबर फॉर्म बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यहाँ पे इंटरचेंज भी कर रहे हैं हम नंबर्स को, तो डिजिट क्या बनेगी वो देख लेते हैं।
अभी हमने क्या किया था, टेंस डिजिट को रखा था 10 के मल्टीपल में, बट इंटरचेंज करना है तो यहां पे हम इसको वंस को रखेंगे और वंस की जगह टेंस को रखेंगे। तो वही किया मैंने यहां पे, 10 इंटू वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या होगी, तो वंस प्लेस पे हमारे पास क्या डिजिट थी, x, एंड टेंस प्लेस पर डिजिट थी हमारे पास कितनी, 7 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स 10x एंड प्लस 7 माइनस एक्स। तो यहां पे क्या बचेगा, 10x में से x जाएगा तो बचेगा 9x एंड प्लस 7। तो हमारे पास दोनों नंबर आ चुके हैं, एक तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास होगा ये, ठीक है, एंड इंटरचेंज करने पर हमारे पास नंबर बनेगा ये। तो यहां पे इसने आगे दिया हुआ है कि जो ये है ना, इंटरचेंज करने पर जो नंबर बना है, क्या नंबर बना है, ये 9x प्लस 7। ये कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है ये वाला, किससे, ओरिजिनल नंबर से। तो ओरिजिनल नंबर कितना है, ये है 70 माइनस 9x, कितना ज्यादा है, 70 माइनस 9x, ठीक है। देखिए क्या बोला था इसने कि इंटरचेंज करने पर डिजिट्स को जो नंबर बनेगा वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है, ये ज्यादा है, बट इसको इक्वल किया है हमने तो यहां पे हम इसमें ऐड करेंगे 27 को, कर लेते हैं इसको, एक्स वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं हम, तो 9x यहां पे माइनस का है, उधर जाके ट्रांसपोज होगा तो हो जाएगा प्लस का, एंड इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम एक साथ रख लेते हैं, तो ये 27, यहां से मैंने 7 को इधर ट्रांसपोज किया तो यहां पे प्लस का था, इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 9x प्लस 9x हो जाएगा 18x, इट इज इक्वल टू, यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, 27 में से 7 जाएगा तो 70 प्लस 20 बनेगा 90, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे मल्टीप्लाई में उधर जाके इसको डिवाइड करेगा 90 को, तो 18 5 जा, तो x की वैल्यू आ गई 5, मींस जो इसकी वंस डिजिट है, ठीक है, इसकी जो वंस डिजिट है वो कितनी आ गई, वो आ गई यहां से 5। तो टेंस डिजिट क्या होगी, तो देखिए टेंस डिजिट जो है वो क्या होगी, इसने कितना लिया होता हमने स्टार्टिंग में, 7 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगी 7 माइनस 5, तो ये होगी 2। तो नंबर क्या बनेगा, तो नंबर क्या बनेगा यहां से, ये बनेगा 10 इंटू टेंस डिजिट, ठीक है, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है प्लस वंस प्लेस पे जो डिजिट है, यही तो बनेगा। तो 10 इंटू टेंस प्लेस पे कितना है, ये है 10th प्लेस पे, ये 2 है, ठीक है ना, 10 इंटू 2 एंड वंस प्लेस पे कितना है, ये है 5, तो ये 10 इंटू 2 20 प्लस 5, तो ये हो गया 25, तो वो नंबर हमारे पास कितना आएगा, 25 आएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 11, सुषमा इज नाउ 15 ईयर्स ओल्डर देन विजय, बट इन 3 मोर ईयर्स सी विल बी 8 टाइम्स एज ओल्ड एज विजय वॉज 3 ईयर्स एगो, हाउ ओल्ड आर दे नाउ। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया हुआ है कि जो सुषमा है वो 15 साल बड़ी है किससे, विजय से। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें विजय की एज पता लग जाती है तो हम आसानी से सुषमा की एज निकाल सकते हैं। मान लीजिए विजय की एज यहाँ पे 3 साल लेता हूं मैं, तो सुषमा उससे 15 साल बड़ी है, मीन्स 18 ईयर्स की हो जाएगी। तो यहाँ पे हम विजय की एज को ही लेट करेंगे जिससे कि हम सुषमा की एज निकाल सकें। इसके बाद इसने दिया हुआ है कि जो सुषमा है वो 3 साल बाद 8 टाइम्स हो जाएगी किसके, विजय की एज जितनी 3 साल पहले थी। क्या दिया हुआ है इसने कि जो सुषमा है वो 3 साल बाद 8 गुनी हो जाएगी जितनी विजय की एज 3 साल पहले थी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे उन दोनों की एज बतानी है हमें, तो लेट किसकी करनी है, हमें विजय की एज लेट करनी है जिससे कि हम सुषमा की एज निकाल सकें। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एज ऑफ विजय, कि मान लीजिए जो विजय की एज है वो कितनी है, यहाँ से एक्स ईयर्स है, कितनी है एक्स ईयर्स, तो सुषमा की एज कितनी हो जाएगी, वो इससे 15 साल बड़ी है तो एक्स प्लस 15 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या दिया हुआ है कि जो यहाँ पे सुषमा है ये 3 साल बाद, ठीक है, सुषमा जो है वो 3 साल बाद, तो इसमें 3 ऐड कर देता हूँ मैं, 3 ईयर्स, ठीक है ना, x प्लस 15 तो पहले ही थी, तो उसके 3 साल बाद वो क्या हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी, किसके 8 टाइम्स हो जाएगी, जितनी विजय की एज 3 साल पहले थी। तो अभी विजय की एज x है, तो 3 साल पहले क्या हो जाएगी, मैं इसमें से 3 साल माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो ये ना ये 8 टाइम्स हो जाएगी इसके, लेकिन मैंने इक्वल का साइन लगाया यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको 8 टाइम्स करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, x प्लस 18 इट इज इक्वल टू 8x, मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, एंड माइनस 8 इंटू 3 24, ठीक है, इतना आ गया। मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ, 8x माइनस 24 इट इज इक्वल टू x प्लस 18, ठीक है, ये मैं इधर ले लेता हूँ, x वेरिएबल वाली टर्म से जो 8x, इसको मैं इधर लूंगा, ट्रांसपोज करूंगा तो ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, इट इज इक्वल टू 18, 24 को मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ तो माइनस का है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो प्लस 24, 8x में से 7x 1x जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 7x, इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 18 एंड 24 का प्लस 42, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे 7, उधर जाके इसको डिवाइड करेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो 7 6 42, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी 6,
तो ये किसकी एज है, ये है विजय की एज, क्योंकि हमने इसी को लेट किया था, लेट एज ऑफ विजय एक्स ईयर्स, ठीक है ना। तो एज ऑफ विजय, तो ये आ गई एज ऑफ विजय कितनी है, ये है 6 ईयर्स। एंड सुषमा एज कितनी हो जाएगी, जो सुषमा है उसकी एज हो जाएगी यहाँ पे कितनी लेट की थी, एक्स प्लस 15, एक्स प्लस 15, क्योंकि इससे 15 साल बड़ी है, तो 6 प्लस 15 ये हो जाएगी 21। तो उसकी विजय की जाएगी 6 ईयर्स एंड सुषमा की जाएगी 21 ईयर्स। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 12। संजय इज नाउ हाफ एज ओल्ड एज इज ब्रदर, इन 6 मोर ईयर्स ही विल बी 3/5 एज ओल्ड एज इज ब्रदर, देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ईच बॉय। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है कि जो संजय है वो अपने ब्रदर की एज का आधा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जितने उसके ब्रदर की एज होगी ना, तो संजय की एज उसकी आधी होगी। मान लीजिए ब्रदर की एज 10 ईयर्स होगी, तो संजय की एज उसकी आधी मतलब 5 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम ब्रदर की एज लेट करेंगे तो संजय की एज आसानी से निकाल सकते हैं। आगे इसने क्या कंडीशन दी हुई है कि 6 साल बाद, ठीक है, 6 साल बाद जो संजय है वो अपने ब्रदर की एज का 3/5 हो जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी, तो क्या कर लेते हैं, प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं किसकी, ब्रदर की, तो संजय की निकल आएगी। देखो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर, तो ये होगी मान लीजिए एक्स ईयर्स, ठीक है। तो संजय की एज कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ होगी, तो ये हो जाएगी एक्स अपॉन 2 ईयर्स। इसने क्या बोला है, 6 साल बाद, तो दोनों की एज में 6 साल बाद कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो संजय की एज है वो 3/5 ईयर्स हो जाएगी अपने ब्रदर की, तो संजय की एज क्या हो जाएगी, 3/5 ईयर्स हो जाएगी 6 ईयर्स बाद। तो इसी तरह से इसके लिए लेता हूँ, ये भी 6 साल बाद होगी, तो ये वाली एज 3/5 हो जाएगी इसकी, बट मैंने इक्वल रख दिया यहाँ पे, तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, ठीक है, जिससे कि इक्वल हो सके। तो अभी ले लेते हैं यहाँ पे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2 प्लस 6, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3/5 को, तो ये हो जाएगा 3x/5 एंड प्लस 3 6 18/5। एक्स वाले जो वेरिएबल वाली टर्म है मैं उनको एक साथ ले लेता हूँ, तो यहाँ पे एक्स अपॉन 2 एंड इधर लूंगा इसको, तो ये -3x/5, ठीक है। 3x/5 को मैंने ट्रांसपोज कर दिया उधर, एंड इसको 18/5, यहाँ से 6 को ट्रांसपोज किया तो वो ज़्यादा आगे नेगेटिव। एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 5 और 2 का 10 आएगा, तो 2 5 10 इंटू 5x -5 2 10 2 3 6x इट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसका ले लेता हूँ 5 का, ठीक है ना, एलसीएम ले लेता हूँ 1 और 5 का, तो 5 रहेगा, तो यहाँ पे 18 -1 6 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कितना बचा, 5x -6x, तो यहाँ से बचा -x/10 इट इज इक्वल टू, इधर बचेगा -12/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से 5 × x -5x हो जाएगा, एंड -12 × 10 -120 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू निकाल लूंगा 120/5, 5 2 10 5 4 20, तो x की वैल्यू आ गई 24। x क्या लेट किया था मैंने, ब्रदर की एज, ठीक है, किसकी, ब्रदर की एज, तो ये तो आ गई ब्रदर एज, ठीक है। तो ब्रदर्स एज कितनी है, ये है 24। तो यहाँ पे किसकी निकालनी थी, संजय की एज निकालनी थी, तो संजय की एज कितनी हो जाएगी, संजय एज, तो ये हो जाएगी इसकी हाफ, 24 का हाफ, तो ये होगी 12 ईयर्स, ठीक है। तो ब्रदर की एज 24 ईयर्स एंड संजय की एज 12 ईयर्स। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं इसका पार्ट नंबर 1। इफ द एरिया इज 3x² सेंटीमीटर, मेक एन इक्वेशन एंड फाइंड एक्स। तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है, 3x² सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, इस रेक्टेंगल की जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी दी हुई है, x माइनस 5 सेंटीमीटर दी हुई है एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर दी हुई है। अब यहाँ पे इसने एरिया दिया हुआ है 3x, ठीक है, बट x की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो एरिया है इसका निकालूंगा लेंथ इंटू ब्रेथ करके, और उसको मैं इसके इक्वल रख दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, एक्स माइनस 5, ब्रेथ कितना है 8 सेंटीमीटर, एंड एरिया जो इसने दिया हुआ है वो है 3x² सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको इक्वल रख लेता हूँ किसके, क्योंकि मुझे पता है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है, और ये इसने पहले से ही दिया हुआ है 3x² सेंटीमीटर, तो मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आएगा वो इसी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, तो लेंथ कितना है यहाँ पे देखिए, लेंथ है x माइनस 5 एंड ब्रेथ कितना है वो है 8, मल्टीप्लाई में है
तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूंगा, 8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 8x, एंड माइनस का साइन, 8 इंटू 5 हो जाएगा 40, ठीक है, इट इज इक्वल टू 3x। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ x वाली, x वेरिएबल वाली जो टर्म है 8x, इधर ट्रांसपोज होकर हो जाएगी किसकी, माइनस की, क्योंकि यहाँ पे अभी किसकी है, प्लस की है, तो हो जाएगा 3x। एंड कॉन्स्टेंट पार्ट को मैं उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो यहाँ पे माइनस का है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का, 8x में से 3x गया तो 5x, इट इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से मल्टीप्लाई में, उधर जाके इसको डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 5 8 जा, तो x इट इज इक्वल टू आ गया 8। तो यहाँ पे जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। तो इसने x की वैल्यू पूछी थी तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी है। इसका बी पार्ट क्या है, इफ द पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर मेक एन इक्वेशन एंड फाइंड x। तो इसने क्या बोला है, पेरीमीटर। तो बी पार्ट क्या है, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। बट मुझे पता है जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, उसका मेरे पास फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, वो भी इसी के इक्वल आएगा, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम, ठीक है ना। तो यहां पे 2, लेंथ कितनी है, लेंथ मुझे पता है यहां पे कितनी है, ये है एक्स माइनस 5 एंड ब्रेथ है 8, ठीक है। तो एक्स माइनस 5 प्लस 8 इट इज इक्वल टू 40, तो 2 इंटू यहां पर क्या बचेगा, x एंड 8 माइनस 5 3 इट इज इक्वल टू 40। तो इसको x प्लस 3 इट इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 40 डिवाइड बाई 2, तो x प्लस 3 इट इज इक्वल टू होगा 20। तो x इट इज इक्वल टू क्या बचेगा 20, इधर 3 है उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो x इट इज इक्वल टू आएगा 17। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 17 आई है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 14, 4 इंटू एक्स माइनस 2 मीटर्स ऑफ रोप इज यूज टू फेंस द रेक्टेंगुलर इनक्लोजर शोन इन द फिगर, फाइंड x। तो यहां पे हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है, इसका जो एरिया है वो दिया हुआ है 225 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ दी हुई है यहाँ पे 25 मीटर। तो मैं यहाँ पे आसानी से इसकी ब्रेथ निकाल सकता हूँ, ठीक है। ब्रेथ कैसे निकलेगी, इस एरिया को अगर मैं लेंथ से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे ब्रेथ मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या बोला है कि जो इतने मीटर की जो रोप है, इतने मीटर लेंथ की जो रोप है वो यहाँ पे इस फील्ड के चारों ओर बार लगाने में यूज की गई है, ठीक है ना। इतने मीटर रोप इस फील्ड के चारों ओर बार लगाने में यूज की गई है, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है। इसके चारों ओर यूज की जा रही है, फेंसिंग की जा रही है, बार लगाई जा रही है इसके चारों तरफ, तो इसका मतलब क्या है, ये पेरीमीटर के इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके पेरीमीटर को इसके इक्वल रख देंगे, तो यहां से हम x की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या राइट करूंगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, यहां से 25 मीटर है, एंड एरिया कितना है, ये है 225 स्क्वायर मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये 225 स्क्वायर मीटर, ठीक है। लेंथ मुझे दी हुई है कितनी 25 मीटर, तो मुझे ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। तो ब्रेथ मैं निकाल लूंगा यहां आसानी से, 225 स्क्वायर मीटर को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 25 मीटर से, ठीक है। तो यहाँ पे 25 ये हो जाएगा 9 जा, ठीक है। तो बी जो मेरे पास आ गया, जो ब्रेथ आया है वो आया है 9 मीटर, तो ब्रेथ मुझे यहाँ पे 9 मीटर मिल गई। अब मुझे पता है कि जो पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो कितना है, जितनी यहाँ पे लेंथ यूज, जो रोप यूज हुई है इसके चारों तरफ क्या करने में, फेंसिंग करने में, वो इसके इक्वल होगा पेरीमीटर के। तो कितनी यूज हुई है, वो यूज हुई है यहाँ पर 4 इंटू एक्स माइनस 2, कितनी यूज हुई है, 4 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, इतनी यूज हुई है। तो पेरीमीटर क्या होगा, यहां से अगर मैं लेना चाहूं तो लेंथ ये होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है इसका फॉर्मूला। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 4x माइनस 8 हो जाएगा, तो 2 इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ है 25, ठीक है, एंड ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 9, इट इज इक्वल टू 4x माइनस 8। तो ये आ गया मेरे पास 2 इंटू 34, 25 प्लस 9 34 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 4x माइनस 8, तो ये 68 इट इज इक्वल टू 4x माइनस 8, ठीक है। इसको ट्रांसपोज कर दूंगा मैं इधर, तो 68 प्लस 8 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, ये 76 इट इज इक्वल टू 4x होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसको ट्रांसपोज करूंगा जब 4 को, तो 76 को डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे 4 से, तो 4 1 4 4 9 36, तो x की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी बनेगी, वो बनेगी 19। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 15, मधुज फ्लावर गार्डन इज नाउ स्क्वायर, इफ सी इनलार्जेस इट बाय इंक्रीजिंग द विड्थ,
1 मीटर एंड द लेंथ 3 मीटर्स द एरिया विल बी 19 स्क्वायर मीटर्स मोर देन द प्रेजेंट एरिया व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए साइड नाउ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया हुआ है कि जो मधु का फ्लावर गार्डन है वो अभी एक स्क्वायर फॉर्म में है, अगर हम इसको बड़ा करते हैं इंक्रीज करके इसकी विड्थ को 1 मीटर और लेंथ को 3 मीटर, तो इस तरह से जो हमारा एरिया आता है वो 19 स्क्वायर मीटर्स ज़्यादा हो जाता है किससे, जब उसका एरिया एक स्क्वायर फॉर्म में होता है उससे। तो यहाँ पे हमें लेंथ बतानी है उस साइड की क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो मधु का फ्लावर गार्डन है वो एक स्क्वायर फॉर्म में है, तो हमें यहाँ पे इस स्क्वायर गार्डन का साइड नहीं पता, तो हम क्या करते हैं उस साइड को लेट कर लेते हैं। लेट साइड लेंथ ऑफ गार्डन की, मान लीजिए उसकी जो साइड की लेंथ है वो कितनी है, एक्स मीटर है, कितनी है, एक्स मीटर है, ठीक है, एक्स मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा उसका, तो स्क्वायर का एरिया हमें पता है साइड इंटू साइड होता है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंक्रीज करने के बाद जो इसकी लेंथ है वो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ गार्डन, इंक्रीज करने के बाद लेंथ ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा, इसको जो लेंथ है ना इसकी, इसको उसने 3 मीटर बड़ा किया है, तो पहले उसकी एक्स थी तो इसको 3 मीटर बड़ा कर दिया उसने, तो ये हो जाएगी एक्स प्लस 3 मीटर। और जो ब्रेथ है उसको कितना बड़ा किया है उसने, उसको 1 मीटर बढ़ाया है, ठीक है, तो पहले एक्स थी तो उसमें एक और ऐड कर देते हैं हम, तो एक्स प्लस 1 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से जो एरिया है वो कितना निकलेगा, एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा, अभी यहाँ से ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है, यहाँ से एक्स प्लस 3 है और ब्रेथ कितनी है, ये है एक्स प्लस 1, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर एंड प्लस एक्स इंटू 1 हो जाएगा एक्स एंड प्लस 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x एंड प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। तो कितना आ गया है, ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3। आगे इसने क्या बोला था यहाँ पे कि इस तरह से जो एरिया आता है ना वो पहले वाले एरिया से 19 जो स्क्वेयर मीटर है वो ज़्यादा होता है, तो क्या कर लेंगे हम ये वाले एरिया में एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3, ये ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 19 स्क्वेयर मीटर ज़्यादा है किससे, पहले वाले एरिया से, तो ये ज़्यादा है इसलिए मैं इक्वल करने के लिए इसमें ऐड कर देता हूँ 19, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से एंड ये बच गया 4x प्लस 3 इट इज इक्वल टू 19, तो 4x इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19, ये प्लस का 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 4x इट इज इक्वल टू ये क्या आ गया यहाँ पे 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16 डिवाइड बाई 4 4 4 16, तो x इट इज इक्वल टू 4। तो अभी जो गार्डन की जो लेंथ है ठीक है ना वो कितनी है 4 मीटर है, क्या है 4 मीटर है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें हमें दिया गया है कि एक राइट ट्रायंगल है जिसकी हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दो साइड्स हैं वो 3:4 में दी हुई हैं एंड हाइपोटेन्यूज पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है और जो हाइपोटेन्यूज है वो उस रेक्टेंगल की क्या है लॉन्गर साइड है, इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज होगी उस रेक्टेंगल की क्या होगी लेंथ होगी एंड यहाँ पे जो ब्रेथ है ना उस रेक्टेंगल की दी हुई है कि जो ब्रेथ है वो लेंथ की 4/5 है, किसकी 4/5 है, लेंथ की 4/5 है, इसका मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे लेंथ पता लग जाती है तो मैं ब्रेथ निकालूंगा क्योंकि ब्रेथ लेंथ की क्या है 4/5 है और लेंथ जो है इसकी हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगी, है ना। एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि जो शॉर्टेस्ट साइड है ट्राइंगल की वो क्या होगी, अगर इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पे जो ये साइड्स दी हुई हैं रेशो में हाइपोटेन्यूज के अलावा इनको हम लेट कर लेते हैं 3x एंड 4x, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी 3x एंड 4x, ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये कौन सी होंगी हाइपोटेन्यूज के अलावा होंगी, मतलब इसको मैं अगर 3x ले लेता हूँ और इसको 4x ले लेता हूँ तो ये क्या है इसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना, एक राइट ट्राइंगल है। अब देखिए यहाँ पे इसने बोला है कि जो हाइपोटेन्यूज है ना इस पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो इस रेक्टेंगल का क्या है लेंथ है, तो हम यहीं तक ले रहे हैं इसको जिससे कि लेंथ बनी रहे, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इसके हाइपोटेन्यूज को, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो हाइपोटेन्यूज है इसका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, इसके बेस के स्क्वायर के एंड इसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है, यही हमारा क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है, बाय यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो बेस क्या है यहाँ पे 3x है इसका होल स्क्वायर एंड एल्टीट्यूड कितना है ये है 4x इसका होल स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 3x का हो जाएगा 9x स्क्वायर एंड 4 का 16 हो जाएगा एंड x का x स्क्वायर। तो यहां पे आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इट इज इक्वल टू ये आएगा 25x स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी इस ट्राइंगल की, ये हो जाएगी इसका मैं क्या कर लूंगा स्क्वायर रूट कर लूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगी कितनी 5x। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा यहाँ पे 5 होगा और x स्क्वायर का यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, तो ये साइड मेरे पास कितनी निकल आई 5x निकल आई, जो कि इसका इक्वल है, ये है रेक्टेंगल की लेंथ का इक्वल। तो यहां से आ गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या आ गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5x। क्या चाहिए मुझे अभी यहाँ पे ब्रेथ, ठीक है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इसने दिया हुआ है यहाँ पे कि जो ब्रेथ है ना इस रेक्टेंगल की वो 4/5 है किसकी लेंथ की। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 4/5 ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी है 5x है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यह बचेगा 4x। आगे इसने दिया हुआ है कि जो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका यूज करके हम जो ये x है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है इसने 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है 180 सेंटीमीटर। 2 इंटू लेंथ रख देते हैं इसमें कितनी है, ये है 5x एंड ब्रेथ कितनी है ये है 4x इट इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। देन 2 इंटू ये 5x एंड 4x हो जाएगा 9x इट इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 18x इट इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर एंड x की वैल्यू यहां से निकल आएगी 180, 18 मल्टीप्लाई में है उधर ट्रांसपोज होके क्या करेगा इसको डिवाइड करेगा तो 18 10 जा तो x इट इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो अब ट्राइंगल की साइड्स निकाल लेते हैं। तो साइड इसकी एक क्या है हमारे पास 3x है। ठीक है, तो 3x क्या है यहाँ पे 3 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 30। एक है 4x तो 4 इंटू 10 ये हो जाएगा 40 और एक है 5x तो 5 इंटू 10 ये हो जाएगा 50। तो हमारे पास सबसे जो स्मॉलर साइड है वो कौन सी है इसकी, ये है 3x मतलब 30 है इसकी। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 17 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि दो कार हैं जो दिल्ली से सेम टाइम पे लीव करती हैं एंड वो दोनों ट्रैवल कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शंस में। अगर यहाँ पर एक कार की स्पीड दूसरे कार की स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है तो वो दोनों कार आफ्टर 5 आवर्स एक दूसरे से 425 किलोमीटर दूर होती हैं। तो यहाँ पे हमें हर एक कार की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। देखिए मान लीजिए ये जो डॉट है ये यहाँ पे क्या है दिल्ली है एंड वो दोनों कार क्या कर रही है यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मान लीजिए एक कार जो है वो है कार ए तो वो इस डायरेक्शन में जा रही है एंड दूसरी जो कार है वो है बी। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो आफ्टर 5 आवर्स ठीक है ना 5 घंटे बाद ये दोनों कार एक दूसरे से 425 किलोमीटर दूर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों कार ने मिलकर 425 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर की है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इन दोनों कार की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसने यहाँ पे ना एक चीज दी हुई है कि एक कार की जो एवरेज स्पीड है वो दूसरे कार की एवरेज स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मैं एक कार की एवरेज स्पीड निकाल लेता हूँ तो दूसरे कार की एवरेज स्पीड मुझे आसानी से मिल जाएगी क्योंकि वो इससे 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे एक कार की एवरेज स्पीड लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कार ए की स्पीड, लेट एवरेज स्पीड स्पीड ऑफ कार ए कि मान लीजिए कार ए की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, देन जो एवरेज स्पीड है किसकी कार बी की वो इससे 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहां पे जो इनकी कंबाइंड स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, तो इनकी कंबाइंड स्पीड क्या हो जाएगी ए और बी की। ठीक है, कंबाइंड स्पीड कितनी हो जाएगी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां पे x एंड प्लस के x प्लस 5 यहां पे मैं कार ए और कार बी की स्पीड को ऐड कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा यहां पे ये हो जाएगा 2x प्लस 5 किलोमीटर बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो हमारे पास टाइम दिया हुआ है ना वो कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 आवर्स, 5 आवर्स में ही डिस्टेंस कवर कर रही है वो 425 किलोमीटर की एंड जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है यहां पर 425 किलोमीटर। एंड देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो होता है टाइम इंटू स्पीड, क्या होता है टाइम इंटू स्पीड ये होता है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस पहले से दी हुई है इसकी 425 किलोमीटर, तो यहाँ पे मैं टाइम रख लेता हूँ, टाइम कितना है 5 आवर्स है एंड स्पीड कितनी है जो कंबाइंड स्पीड आई हमारी मैं उसको रख लेता हूँ तो 5 इंटू ये हो जाएगा 2x प्लस
फाइव, इट इज इक्वल टू 425। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसको, तो यहां हो जाएगा 5 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 10x एंड प्लस 5 इंटू 5 25, इट इज इक्वल टू 425। 10x इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 425, यहाँ पे प्लस का 25 उधर जाकर ट्रांसपोज होगा तो हो जाएगा माइनस का 25, तो यहाँ पे आ गया 10x इट इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड करेगा इसको 10, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इट इज इक्वल टू आएगा 40। तो जो x है ये कार A की स्पीड है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ कार A, स्पीड ऑफ कार A यहाँ पे क्या हो गई, ये हो गई कितनी है वहां पे x किलोमीटर बराबर है, ठीक है, x किलोमीटर बराबर, तो x की मैं वैल्यू निकाल चुका हूं, यहां पे आ जाएगी 40 किलोमीटर बराबर। देन स्पीड ऑफ कार बी, तो यहां पे देखिए स्पीड ऑफ कार बी क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ कार बी वो इससे 5 किलोमीटर बराबर ज्यादा है, ठीक है, x प्लस 5 किलोमीटर बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 5 किलोमीटर बराबर, इसका मतलब ये हो गया 45 किलोमीटर बराबर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 18, एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि दो ऑटोमोबाइल्स हैं जो सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं किनी स्टीज से, एंड वो दोनों एक दूसरे से 595 किलोमीटर दूर हैं। अगर यहाँ पर एक ऑटोमोबाइल की जो स्पीड है वो दूसरे ऑटोमोबाइल की स्पीड का 8/9 है, तो वो दोनों ऑटोमोबाइल एक दूसरे से 7 आवर्स में मीट कर जाते हैं। तो हमें यहाँ पे हर एक ऑटोमोबाइल की जो स्पीड है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे ना ऑटोमोबाइल को ले रहा हूँ कार, ठीक है, तो यहाँ पे दो हैं, तो यहाँ पे कार ए और कार बी मैं ले लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए जो कार ए है और कार बी है वो अलग अलग स्टेज में है एंड सेम टाइम पे स्टार्ट होती हैं, और इन दोनों के जो बीच के डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 595 किलोमीटर है, ठीक है, एंड ये दोनों अपनी अलग अलग स्पीड से चलती हैं और 7 आवर्स में एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो हमें यहाँ पर कार ए की और कार बी दोनों की स्पीड बतानी है, लेकिन इसने देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक कार की जो स्पीड है ना वो दूसरे कार की स्पीड का 8/9 है। इसका मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे एक कार की स्पीड मिल जाती है तो मैं दूसरे कार की स्पीड आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक कार की स्पीड को लेट कर लेता हूँ, लेट स्पीड ऑफ कार ए, ठीक है, मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ लेट स्पीड ऑफ कार ए, कि मान लीजिए जो ए कार है उसकी स्पीड क्या होगी, एक्स किलोमीटर पर आवर होगी। देन स्पीड ऑफ कार बी, क्योंकि कार बी की जो स्पीड है वो इस पे डिपेंड करेगी दूसरी कार पे, ठीक है ना, वन कार और हम टू कार भी मान सकते थे इसको, तो मैंने इसको बी मान लिया, ए और बी। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसकी 8/9 है, तो ये हो जाएगा 8/9 ऑफ दिस कार, तो इसकी कितनी है, एक्स है, तो इंटू एक्स, तो 8/9 एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे ये ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कंबाइंड स्पीड, इन दोनों की जो कंबाइंड स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है, कंबाइंड स्पीड, तो कंबाइंड स्पीड आ जाएगी इन दोनों को ऐड करके, तो यहाँ पे कितनी है, ये x किलोमीटर पर आवर है, एंड ये कितनी है, ये है 8/9x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, तो इंटू 9x प्लस ये आ जाएगा 8x, तो आ जाएगा 17x/9 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों कार की जो कंबाइंड स्पीड है वो होगी 17x/9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाइम कितना है, टाइम लग रहा है इन दोनों को मीट करने में कितना, 7 आवर्स, कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे हमने लिया था 7 आवर्स, गिवन है इसमें 7 आवर्स, एंड डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, कितनी दूर है कार दोनों एक दूसरे से, ये है 595 किलोमीटर, कितना दूर है, 595 किलोमीटर। डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस होता है टाइम इंटू स्पीड, क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड, ठीक है, तो ये 595 के इक्वल होगा, एंड टाइम कितना है यहाँ पे, ये है 7 आवर्स, एंड इन दोनों की मैं ले लेता हूँ कंबाइंड स्पीड को, तो कंबाइंड स्पीड क्या है इनकी, ये है 17x/9, इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 595 किलोमीटर। अब देखिए मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, ठीक है, जिससे कि हम यहाँ पे इनकी स्पीड को निकाल सकें, तो x इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड में है उसको हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 595, 9 यहाँ पे डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये दोनों मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 17 से काट देता हूँ, 17 1 जा 17 3 जा, यहाँ पे 17 5 जा, एंड 7 1 जा 7 5 जा, तो x की जो वैल्यू है यहाँ से आ गई 45, ठीक है, तो यह आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखिए
तो इसने यहां पे दिया हुआ था कि जो कार ए है ना, यहां पे मैं ले लेता हूं कार ए, तो कार ए की जो स्पीड है वो कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, x की वैल्यू है ये 45 किलोमीटर पर आवर। एंड कार बी की स्पीड क्या हो जाएगी, बी की स्पीड हो जाएगी यहां पे ये 8/9 ऑफ द x था, 8/9 ऑफ x किलोमीटर पर आवर। तो ये देखिए क्या हो जाएगा यहां पे 8/9, x की वैल्यू कितनी है 45 है, तो 95 जा एंड 85 जा जाएगी 40, तो आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे दोनों कार की जो स्पीड है वो निकल चुकी है 45 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फर्स्ट ऑटोमोबाइल की आ जाएगी हमारी एंड सेकंड ऑटोमोबाइल की ये आ जाएगी। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 19 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक मोटर बोट है जो एक रिवर में अगर डाउन स्ट्रीम जाती है तो टू कोस्टल टाउन्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको वो कवर कर लेती है 5 आवर्स में, एंड सेम डिस्टेंस को कवर करती है 6 आवर्स में अगर वो जाती है अप स्ट्रीम। एंड यहाँ पर जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड हमें दी हुई है 2 किलोमीटर पर आवर, तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो बोट की स्पीड है वो स्टिल वाटर में कितनी होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम है इनका क्या मतलब है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक रिवर है एंड उस रिवर में हमें दी हुई है एक बोट, ठीक है ना, एंड इस बोट की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इस बोट की जो स्पीड है वो कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर है, एंड यहाँ पर जो स्ट्रीम है, ठीक है ना, इस रिवर की जो स्ट्रीम है वो इस डायरेक्शन में जा रही है एंड उसकी जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। जो नदी का पानी है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, एंड हमारी बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है तो इसको बोलेंगे हम क्या, डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है ना। स्ट्रीम की डायरेक्शन में अगर हमारी बोट जाती है तो हम उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो अभी हमारी बोट की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, देखिए 10 किलोमीटर तो बोट की खुद की स्पीड और स्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पे 2 किलोमीटर इसमें ऐड हो जाएगा, तो अभी बन जाएगी 10+2 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है ना। अभी बोट की स्पीड है जो वो कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बट अगर हम बोट को लेके जाते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, हम बोट को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, इसकी जो धारा की दिशा है नदी की, ठीक है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे अपस्ट्रीम। क्या कहेंगे, अपस्ट्रीम। अब यहां पर बोट की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, देखिए पहले बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो कितनी है, मान लो 10 किलोमीटर है, तो हम इसके अपोजिट लेके जा रहे हैं एंड इसकी जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से ये माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 2 गया तो ये बचेगा 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अपस्ट्रीम में ये कितनी रहेगी, 8 हो जाएगी, और डाउन स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। अपस्ट्रीम में माइनस करेंगे और डाउन स्ट्रीम में हम ऐड करेंगे। तो अभी हम ले लेते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है ना, इसको लेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कि मान लीजिए स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो कितनी है, वो है एक्स किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हमें दी हुई है वो कितनी है, वो है 2 किलोमीटर पर आवर। तो अभी देखिए, अब यहाँ पर जो बोट की स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम में राइट कर लेता हूँ, तो इसमें हम ऐड करेंगे स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में हमने कहा था ऐड होगा, ठीक है, तो यहां पे मैं राइट कर लेता हूं x+2 किलोमीटर पर आवर। अभी देखिए इस डाउन स्ट्रीम में जो इसको टाइम लगा है वो कितना लगा है, डाउन स्ट्रीम में जिसको टाइम लगा है उन टू टाउन्स के बीच की डिस्टेंस को कवर करने में वो लगा है 5 आवर्स, ठीक है। तो मैं यहां पर राइट कर लूंगा डिस्टेंस कवर्ड बाई बोट इन 5 आवर्स, डिस्टेंस कवर, क्योंकि इसने दी नहीं हुई तो मैं यहां से निकाल सकता हूं इसको, डिस्टेंस इट इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 5 आवर्स, कि 5 आवर्स में वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला टाइम इनटू स्पीड। टाइम क्या दिया हुआ है हमें, टाइम दिया हुआ है 5 आवर्स, एंड स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड दी हुई है हमें, ये डाउन स्ट्रीम वाली लेंगे x+2, ठीक है, 5 × x+2। अब देखिए यहां पे मैं बात कर लेता हूं किसकी, अपस्ट्रीम की। तो अपस्ट्रीम में हमारे पास कितना है, ये सेम डिस्टेंस को कवर कर रही है 6 आवर्स में, ठीक है ना। तो मैं पहले इसकी स्पीड निकाल लेता हूं अपस्ट्रीम में कितनी होगी, तो मैं यहां पे राइट कर लेता हूं स्पीड ऑफ बोट
स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, ठीक है। तो अपस्ट्रीम में हम माइनस कर देंगे किसकी स्पीड को, बोट की स्पीड को, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम कितना लगा है इसको अपस्ट्रीम में, टाइम लगा है इसको 6 आवर्स, कितना टाइम लगा है इसको 6 आवर्स लगे हैं। तो मैं यहां पे राइट कर लूंगा इसकी डिस्टेंस कवर्ड बाई, डिस्टेंस कवर्ड बाई बोट इन 6 आवर्स, कि 6 आवर्स में ये डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये होगा टाइम इनटू स्पीड होगा हमारे पास। टाइम कितना है 6 आवर्स एंड स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में, ये है x माइनस 2, ठीक है, कितनी है x माइनस 2 है। तो हमें पता है कि जो दोनों ही अपस्ट्रीम दोनों ही कंडीशन में, डाउनस्ट्रीम में एंड अपस्ट्रीम में, बोट ने सेम डिस्टेंस कवर की है, तो मैं यहां पे क्या राइट कर सकता हूं, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स इज सेम, डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स इज सेम। सो हम क्या करेंगे, दोनों की डिस्टेंस को इक्वल रख देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे ये है 6 इंटू एक्स माइनस 2 एंड ये इक्वल होगा, ये अपस्ट्रीम वाला और डाउनस्ट्रीम वाला मैं इक्वल कर देता हूं, तो अपस्ट्रीम होगा डाउनस्ट्रीम के इक्वल, ठीक है ना। तो यहां पे हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 2, 5 इंटू एक्स प्लस 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पे, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 12 इट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5x प्लस 10, 5 टू से 10, तो यहां पे मैं ट्रांसपोज कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा इधर, तो माइनस का होगा एंड यहां पे 10, ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 6x में से 5x गया तो x, और ये हो जाएगा 22। तो जो स्पीड है बोट की स्टिल वाटर में वो कितनी होगी, 22 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, इन स्टिल वाटर इज 22 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 20 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक स्टीमर है जो एक रिवर में अगर डाउन स्ट्रीम जाता है तो टू टाउन्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कवर कर लेता है वो 20 आवर्स में, एंड जब वापस आता है तो सेम डिस्टेंस को अपस्ट्रीम में कवर करता है वो 25 आवर्स में। एंड यहाँ पर जो वाटर की स्पीड है वो हमें दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर, तो हमें फाइंड आउट करना है कि टू टाउन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें वाटर की स्पीड दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर एंड स्टीमर डाउनस्ट्रीम जब जाता है तो डिस्टेंस को कवर कर लेता है 20 आवर्स में, और अपस्ट्रीम में जो स्टीमर है वो कवर कर रहा है सेम डिस्टेंस को 25 आवर्स में। बट हमें ना यहाँ पे स्टीमर की जो स्पीड है वो नहीं बताई हुई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्टीमर की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने यहाँ पे राइट किया है स्पीड ऑफ वाटर। तो देखिए स्टीमर की जो स्पीड है वो डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब है, यहाँ पे स्टीमर की अपनी स्पीड जुड़ेगी और यहाँ पे वाटर की स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ स्पीड ऑफ स्टीमर, ठीक है, स्पीड ऑफ स्टीमर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो इसमें स्टीमर की जो स्पीड है स्टिल वाटर में और वाटर की स्पीड है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम में स्टीमर जो है इसने कितना टाइम लिया है, इसने लिया है 20 आवर्स, कितना टाइम लिया है इसने 20 आवर्स लिया है। एंड यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टीमर इन 20 आवर्स, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टीमर इन 20 आवर्स। तो डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइम इनटू स्पीड, तो टाइम कितना है यहाँ पे, ये है 20 आवर्स एंड स्पीड कितनी दी हुई है डाउनस्ट्रीम में, ये है x प्लस 4, ठीक है। अभी मैं क्या राइट कर लेता हूँ, स्पीड ऑफ स्टीमर अपस्ट्रीम में राइट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट कर लेता हूँ मैं स्पीड ऑफ स्टीमर, स्पीड ऑफ स्टीमर अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में कितनी स्पीड हो जाएगी, देखिए यहाँ पे पानी की जो स्पीड है ये, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्टीमर की स्पीड है स्टिल वाटर में उसमें से मैं स्पीड ऑफ वाटर माइनस कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड यहाँ पे टाइम जो लग रहा है अपस्ट्रीम में वो कितना है, टाइम लग रहा है 25 आवर्स, कितना लग रहा है 25 आवर्स। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ डिस्टेंस
डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टीमर, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टीमर इन 25 आवर्स। तो 25 आवर्स में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, तो 25 आवर्स में करेगा, इसकी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड, तो टाइम है यहाँ पे 25 एंड स्पीड है यहाँ पे x माइनस 4। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में जो स्पीड है वो सेम रहेगी, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, इक्वल रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 25 इंटू एक्स माइनस 4 इट इज इक्वल टू अप स्ट्रीम में जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड है उसको इसके इक्वल रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 20 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। डाउन अप स्ट्रीम में जो स्पीड रही है और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड रही है वो दोनों सेम रहेंगी, तो मैंने इसको इक्वल रख लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25x माइनस 100 इट इज इक्वल टू 20x एंड प्लस 80। ट्रांसपोज कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 25x, ये प्लस का 20x हो जाएगा, उधर जाके माइनस का 20x एंड यहाँ पे 80, ये माइनस का 100 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 100, तो ये आ जाएगा 5x इट इज इक्वल टू 180x इट इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 5, तो यहां से आएगा 5 3 15 5 6 30 तो यह आ जाएगा 36, ठीक है। तो जो इसकी स्पीड होगी स्टिल वाटर में वो आएगी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, कितनी आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। बट हमें यहां पे फाइंड करना है उन दो टाउन्स के बीच की डिस्टेंस, तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे अपस्ट्रीम में या डाउनस्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर की गई है इन दोनों में से किसी एक में एक्स की वैल्यू रख देता हूं, तो मैं यहां पे अपस्ट्रीम को ले लेता हूं, डाउनस्ट्रीम को ले लेता हूं, ठीक है ना। तो डाउनस्ट्रीम में इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये है 20 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, कितनी थी 20 इंटू एक्स प्लस 4, तो मैं यहां पे x की वैल्यू रख देता हूं इसमें, तो x की 36 आई है यहां से और ये 4 है, तो 20 इंटू ये हो जाएगा 40 एंड ये हो जाएगा 4 2 8, तो यहां पे जो डिस्टेंस है टू टाउन्स के बीच की वो है 800 किलोमीटर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 21 एंड यहां पे हमें दिया गया है कि जो रंजना की मदर है वो उसको 245 रुपीज देती है न्यू ईयर कार्ड्स खरीदने के लिए, एंड यहां पर जो रंजना है वो 10 रुपए वाले कुछ कार्ड खरीदती है। देखिए यहां पे क्या दिया गया है हमें, 10 रुपए वाले कुछ कार्ड, यहां पे हमें नंबर नहीं दिया गया है, एंड 5 रुपए वाले जो कार्ड है वो खरीदती है वो 2/3, किसका 2/3, जितने उसने 10 रुपीज वाले जो कार्ड हैं वो खरीदे हैं, ठीक है ना, उसका 2/3, एंड 15 रुपए वाले जो कार्ड हैं वो खरीदती है वो 1/5, किसका 1/5, ये जो उसने 10 रुपीज वाले कार्ड खरीदे हैं उसका 1/5, ठीक है। एंड यहां पे हमें बताना है कि उसने 10 रुपए वाले कितने कार्ड खरीदे, 5 रुपए वाले कितने कार्ड खरीदे और 15 रुपए वाले कितने कार्ड खरीदे, ठीक है ना, सबका हमें बताना है कि उसने इतने इतने कार्ड खरीदे हैं। तो देखिए यहां पे जो ये 5 रुपए वाले कार्ड और 15 रुपए वाले कार्ड है ना, ये डिपेंड करते हैं किस पे, 10 रुपीज वाले कार्ड्स के नंबर पे, ठीक है ना, कि अगर हमें यहाँ पे 10 रुपीज वाले कार्ड्स का नंबर पता लग जाता है कि उसने कितने खरीदे हैं, तो हम ये 5 रुपए वाले और 15 रुपए वाले आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 10 रुपीज वाले कार्ड को लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, कि उसने 10 रुपीज वाले जो कार्ड है वो कितने खरीदे हैं, एक्स खरीदे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है लेट नंबर ऑफ रुपीज 10 कार्ड्स, तो जो 10 रुपीज वाले कार्ड हैं वो कितने हैं, एक्स हैं। तो यहाँ पे आगे उसने दिया हुआ है कि जो 5 रुपए वाले कार्ड है वो कितने हैं, 2/3, किसका 2/3, जितने उसने 10 रुपीज के कार्ड खरीदे थे, तो 10 रुपीज के कितने कार्ड हुए, एक्स, तो इसका 2/3 मल्टीप्लाई ये वाले कार्ड, 2/3 मल्टीप्लाई एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x/3, एंड 15 रुपए वाले जो कार्ड है वो है 1/5, किसका 1/5, 10 रुपीज वाले कार्ड के नंबर्स का, ठीक है ना, ये कितने हैं, एक्स है, तो 1/5 मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/5। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो 10 रुपए वाले कार्ड हैं वो कितने रुपए के हैं, तो 10 रुपए वाले कार्ड कितने हैं, एक्स हैं, एक कार्ड की कॉस्ट क्या है, 10 है, तो एक्स कार्ड की कॉस्ट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स मल्टीप्लाई 10, जो आ जाएगा कितना, 10x, रुपीज 10x, ठीक है। 5 रुपए वाले कार्ड कितने हैं, ये है 2x/3, कितने हैं, 2x/3। अब देखिए ये है एक कार्ड की, ये है हमारे पास 5 रुपए जो है ना एक कार्ड की कॉस्ट है, तो हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं, 2x/3, तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का, तो ये आ जाएगा 5 2 10, 10x/3, 5 रुपए वाले कार्ड की कॉस्ट कितनी है, 10x/3 है, तो 15 रुपए वाले कार्ड कितने हैं, ये है x/5, ठीक है ना, x/5, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 15 से, तो 5 3 15, तो ये हो जाएंगे 3x। तो ये तो हमारे पास
₹10 वाले कार्ड की कॉस्ट है, ये ₹5 वाले कार्ड की कॉस्ट है, और ये ₹15 वाले कार्ड की कॉस्ट है। तो देखिए यहां पे जो ये है ना टोटल, ये इक्वल होगा जितने हमें, जितने जो रंजना की मदर है उसने उसको रुपए दिए थे, कितने दिए थे 245, तो उसके ही तो ये कार्ड है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे मैं ऐड कर लेता हूं इसको, 3x प्लस 10 अपॉन 3x एंड प्लस 10x, ठीक है, इसके इक्वल होगा जितने वहां पे रुपए हैं उसके इक्वल होगा, इन सब की कॉस्ट मिला के 245 बनती है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, यहां पे हम इस 3 का एलसीएम ले लेते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे ना तो यहां पे अपॉन में 3 आएगा और उस 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, आप एलसीएम लेके देख लेना इतना ही आएगा। देखिए 3 3 9x एंड प्लस इसको एज इट इज छोड़ देते हैं 10x एंड इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 30x एंड इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 4 12 और 1 13, 3 2 6 और 1 7, 7 3 5 हो जाएगा। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 10 40 और 49, 49x आ गया, इट इज इक्वल टू 4 7 3 5, ठीक है इतना आ गया। तो अब देखिए यहां से ना मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे देखो x इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 3 5 को डिवाइड कर लेते हैं किससे, 49 से, ठीक है ना। ये 49 जो है इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर ट्रांसपोज होगा तो क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा 7 7 जा एंड ये 7 1 जा 7 0 7 5 जा एंड ये आ जाएगा 7 1 जा 7 5 जा, तो x की जो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 15। इसका मतलब जो ₹10 वाले कार्ड है वो कितने हैं 15 है, ₹10 वाले कार्ड कितने आ गए 15 आ गए। आगे देखिए इसमें ₹5 वाले कार्ड कितने हैं, ये हैं 2x/3, कितने हैं ये 2x/3 है, तो मैं यहां पे राइट कर लेता हूं 2x/3, तो 2 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 15 एंड अपॉन में 3, तो 3 5 जा 15, तो 5 2 जा 10, तो ₹5 वाले जो कार्ड हैं वो कितने हैं 10 है, ठीक है। अब मैं निकाल लेता हूं किसका, ₹15 वाले कार्ड कितने हैं, तो ये है x/5, तो यहां से इसका नंबर निकल के आएगा, x कितना है 15 है x की वैल्यू एंड यहां पे अपॉन में 5 5 3 जा 15, तो ये आ गए 3, ठीक है। तो ₹5 वाले जो ₹10 वाले जो कार्ड है वो कितने हैं, यहाँ पे 15 है एंड ₹5 वाले कार्ड कितने हैं, ये हैं 10 एंड ₹15 वाले कार्ड कितने हैं, ये हैं 3। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 22 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो एनरोलमेंट है स्कूल का इस साल वो है 552 एंड ये जो एनरोलमेंट है ये लास्ट ईयर के एनरोलमेंट का 15% इंक्रीज होकर आया है, कि मान लीजिए एनरोलमेंट इसमें कुछ भी रहा होगा तो उसका 15% इंक्रीज होकर जो एनरोलमेंट है वो है अभी 552। तो हमें बताना है कि जो लास्ट ईयर एनरोलमेंट था वो कितना था, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एनरोलमेंट लास्ट ईयर, ठीक है, लेट एनरोलमेंट लास्ट ईयर, कि लास्ट ईयर जो एनरोलमेंट था वो कितना था, वो था एक्स, ठीक है। इंक्रीज कितना हुआ है इसमें, इसमें इंक्रीज हुआ है यहाँ पे 15%, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा है कि जो लास्ट ईयर एनरोलमेंट था, ठीक है, वो था x एंड इसका इंक्रीज हुआ है 15%, किसका इंक्रीज है, x का 15%, ठीक है, x का 15% हो गया। ये कितना है, लास्ट ईयर इतना था, इसका इंक्रीज हो गया इतना, तो मिला के कितना होगा, ये होगा जो अभी एनरोलमेंट है उतना, ठीक है ना, अभी कितना है, ये है 552, तो इसके इक्वल आएगा, तो यहां पर मैं कर लूंगा एक्स प्लस, ये हो जाएगा x इंटू 15/100, ठीक है, इट इज इक्वल टू 552, इसको कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 20, तो x प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3x/20, इट इज इक्वल टू 552। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 20x एंड प्लस ये आ जाएगा 3x एंड इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 552 मल्टीप्लाई 20, तो ये हो जाएगा कितना 23x, कितना हो जाएगा ये, इधर मैं राइट कर लेता हूँ इसको 23x, इट इज इक्वल टू 552 मल्टीप्लाई 20, तो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं 552 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 23, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, ये आ जाएगा 23 2 जा 46, ठीक है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 9 एंड 23 4 जा 92, तो x इट इज इक्वल टू आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 20, तो 24 0 20 एंड 24 2 जा 48, तो ये था कितना 480, तो लास्ट ईयर जो एनरोलमेंट था वो था 480।
यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक फ्रूट वेंडर है जो कुछ ऑरेंजेस खरीदता है ₹5 पर ऑरेंज के रेट से, एंड यहाँ पर वो क्या करता है उतने ही बनानास खरीदता है ₹2 पर बनानास के रेट से, ठीक है। एंड यहाँ पर वो 20% प्रॉफिट लेता है किस पर, ऑरेंजेस पर, एंड 15% प्रॉफिट कमाता है किस पर, बनानास पर। तो लास्ट में, दिन के लास्ट में यहाँ पर जो उसके फ्रूट हैं सारे वो बिक जाते हैं, एंड उसका जो टोटल प्रॉफिट होता है वो होता है 390। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस उसने परचेज किए थे वो कितने थे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ ऑरेंजेस को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, लेट नंबर ऑफ ऑरेंजेस, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इसको, लेट नंबर ऑफ ऑरेंजेस, कि मान लीजिए जो ऑरेंजेस थे वो कितने थे, वो थे एक्स। अब यहाँ पे इसने बताया है कि जो कॉस्ट प्राइस है ना वन ऑरेंज का वो कितना है, ₹5 है। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ वन ऑरेंज, ठीक है। तो वन ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है यहाँ पे, वो है ₹5। अब उसने कितने ऑरेंज खरीदे हैं, ये खरीदे हैं उसने एक्स ऑरेंजेस, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स ऑरेंजेस। तो ये हो जाएगा कितना, 5 × x, एक का कितना है 5 है, तो x का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। अब देखिए उसने जो प्रॉफिट लिया है ना ऑरेंजेस पे वो कितना है, 20% है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ प्रॉफिट कितना है इसका, ये है 20%, ठीक है, इतना प्रॉफिट है उसका। तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा फिर, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका, देखिए कॉस्ट प्राइस है इनका 5x, प्रॉफिट है इसका 20%। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने का। तो कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे, ये है 5x, एंड प्रॉफिट ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट, ये हो जाएगा 100 प्लस 20, 120 एंड अपॉन में 100। इसको कर लेते हैं डिवाइड यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 26 + 25 एंड 5 से 5 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए मैं यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेता हूँ इसका कितना आएगा। तो प्रॉफिट देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे इसका, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है 6x है, एंड कॉस्ट प्राइस कितना था इसका, ये था 5x, तो ये आ जाएगा x, ठीक है। अभी निकाल लेते हैं किसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बनाना। यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं, इसने यहाँ पे ये बोला है कि जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस है ना, नंबर ऑफ ऑरेंजेस वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ बनानास के, ठीक है, नंबर ऑफ बनानास के। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बनाना कितना है, ये है ₹2। एक बनाना का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 2 है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स बनानास, ठीक है, जितने यहाँ पे ऑरेंजेस है उतने ही कितने हैं बनाना है, तो ये हो जाएगा 2 × x, 2x। अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट है इसका वो कितना है, वो है 15%। तो मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो वही आएगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 2x है, एंड मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 115 एंड अपॉन में ये हो जाएगा 100। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पे, ये 5 × 2 जा, ठीक है, 10, 5 × 3 = 15 एंड ये 5 × 2 = 10 एंड ये 2 × 10 जा, तो ये आ जाएगा 23/10x। इसने यहाँ पे बोला है कि जो उसका, अच्छा मैं यहाँ पे ना अभी वो निकाल लेता हूँ प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट तो बच गया, तभी तो उसका टोटल प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा मैं, तो 23/10x में से मैं निकाल दूंगा इसका कितना, 2x। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 3x/10, कितना आएगा, ये आएगा 3x/10। अभी देखिए इसने यहाँ पे क्या कहा है कि जो उनका टोटल प्रॉफिट है ना वो है 390। टोटल प्रॉफिट कितना है, वो है 390। तो इसका पहले का प्रॉफिट कितना आया है, ये आया है x, और इसका आया है 3x, तो यहाँ पे इन दोनों का मिला के ही तो 390 होगा, तो ये हो जाएगा x + 3x/10 = 390। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम, तो देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 10x + 3x = 390 × 10, ये हो जाएगा 3900। तो आप एलसीएम निकालोगे तो इतना ही आएगा इसका, ठीक है ना, फिर एलसीएम निकाल के तब इसको सॉल्व करोगे, तो ये आ जाएगा 13x = 3900।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये 3900, इसको डिवाइड कर दीजिए 13 से, तो 13 थ्री जा, तो x की जो वैल्यू मेरे पास वो कितनी है 300 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 300। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस है मेरे पास कितना था यहाँ पे, ये था x, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी आई x की वैल्यू, ये आई है 300, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस आ गया 300। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 24, एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक टू डिजिट का नंबर है जो खुद का ही 5/6 हो जाता है अगर उसकी डिजिट्स को रिवर्स किया जाता है, एंड उस नंबर की जो दोनों डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस है यहाँ पे 1। तो हमें यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करना है इन गिवन ऑप्शंस में से कि इनमें से कौन सा होगा, एंड यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये क्वेश्चन है हमें करना है 1 वेरिएबल में, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि उस नंबर की जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगी वो क्या होगी, ठीक है ना, एंड टेंस प्लेस पर क्या होगी, किसको ध्यान में रखते हुए, उन दोनों डिजिट के डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे लेट करेंगे। तो देखिए लेट कर लेते हैं, लेट यूनिट्स प्लेस की, मान लीजिए यूनिट प्लेस जो है उस डिजिट का, उस नंबर का क्या होगा, वो होगा एक्स, एंड यहाँ पे टेंस प्लेस क्या हो जाएगा फिर उसका, उसने कहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, कि जब हम इसमें से x प्लस 1 में से इसको माइनस करेंगे तो x प्लस 1 माइनस x, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिफरेंस बचेगा हमारा यहाँ पे कितना 1 बचेगा। तो इस तरह से जो नंबर फॉर्म होगा हमारा वो होगा tan इंटू x प्लस 1, एंड यहाँ पे हम कर देंगे प्लस x, ठीक है ना, क्योंकि टेंस प्लेस पे यही है हमारा, ठीक है ना, टेंस प्लेस पे यही है, तो ये देखिए tan इंटू x प्लस 1 हो जाएगा एंड प्लस x हो जाएगा, तो इसको जब हम करेंगे तो tan इंटू x एंड प्लस tan एंड प्लस x, तो tan x प्लस x क्या हो जाएगा हमारा 11x हो जाएगा एंड प्लस में 10। नंबर वाइज इंटरचेंजिंग, तो डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे जो नंबर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे tan राइट करना है, बट टेंस प्लेस पे जो है हमारे पास उसको नहीं राइट करना है, टेंस प्लेस पे भी क्या है x प्लस 1 है, टेंस प्लेस की जगह हम राइट करना है वंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है, ठीक है ना, ये है हमारे पास x, एंड प्लस में जो टेंस प्लेस पे अभी इसको उसमें प्लस कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डिजिट्स को क्या करना था, इंटरचेंज करना था, तो ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस एक्स 11x एंड प्लस में 1, ठीक है, 11x प्लस 1 बन गया। अभी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने क्या कहा है कि जो उसका नंबर है वो 5/6 हो जाता है जब उसके डिजिट्स को रिवर्स किया जाता है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 5/6, ठीक है, खुद का ही 5/6 हो जाता है, तो खुद नंबर क्या है, ये है 11x प्लस 10, एंड ये हो जाएगा किसके इक्वल, इसकी डिजिट्स को, इसका जो नंबर है जो रिवर्स करने पर डिजिट्स को आया है वो है 11x प्लस 1, तो कर लेते हैं 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां पे मैं राइट कर देता हूं पहले 5 इंटू 11x प्लस 10, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई, इस 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 11x प्लस 1, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं 5 इंटू 11, ये हो जाएगा 55x एंड प्लस 5 इंटू 10, ये हो जाएगा 50, इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 66x एंड प्लस 6, मैं इसको ऐसे रिवर्स करके लिख देता हूं ये, ठीक है ना, इस तरह से राइट कर सकता हूं मैं इसको 66x प्लस 6 इट इज इक्वल टू 55x प्लस 50, तो अभी क्या कर लेते हैं, ये 55x को इधर ले आते हैं, तो 66x माइनस 55x इट इज इक्वल टू, ये है यहाँ पे 50 है इक्वल टू, मैं 6 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये आ गया 11x, 11x इट इज इक्वल टू ये आ गया 44, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 44 को डिवाइड कर देंगे किससे, 11 से 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, उधर जाके जाएगा डिवीजन में, तो 11 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये आ गई 4, तो बताना है कि वो नंबर क्या होगा, नंबर क्या आया था हमारा यहाँ पे, ये आया था 11x प्लस 10, कितना आया था 11x प्लस 10, तो x की वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो 11 इंटू 4 एंड प्लस में 10, तो ये हो जाएगा 44 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54, तो हमारे पास वो नंबर होगा कितना 54। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 25, एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि टू ब्रदर्स हैं जिनकी प्रेजेंट एज का जो रेशो है वो है 1:2, एंड 5 years एगो जो इनकी एज का रेशो था वो था 1:3, तो यहाँ पे हमें बताना है कि आफ्टर 5 years उनकी एजेस का जो रेशो है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अगर हमें प्रेजेंट एज पता लग जाती है तो हम यहाँ पे उनकी जो एज का रेशो है 5 years बैक का भी और 5 years आफ्टर का भी वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं प्रेजेंट एजेस को लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ द ब्रदर्स
बी 1x एंड 2x की। मान लीजिए उन दोनों भाइयों की जो प्रेजेंट एज है वो होगी 1x एंड 2x। आगे इसने कहा है कि 5 साल पहले जो उनकी एज का रेशो था वो था 1:3। तो 5 साल पहले, लेकिन किसका 5 साल पहले, जो अभी प्रेजेंट एज है, तो ये है x एंड 2x। ठीक है, 5 साल पहले के लिए हम क्या कर देंगे, -5 कर देंगे इसमें से और इसमें से भी। ठीक है ना, अभी जितनी भी उनकी एज रहेगी तो उससे 5 साल पहले इसमें से 5-5 माइनस करेंगे तो रहेगी। तो वो रेशो कितना था, वो था 1/3। 1:3 को हम 1/3 में राइट करेंगे। तो क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 का x माइनस 5 के साथ। तो 3 इंटू x माइनस 5 एंड इट इज इक्वल टू 1 का इसके साथ 2x माइनस 5 के साथ। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू x 3x माइनस 3 इंटू 5 15, इट इज इक्वल टू 1 का उसके साथ करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा 2x माइनस 5। ट्रांसपोज कर लेते हैं तो ये 3x 2x इधर आएगा, तो यहाँ पे प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, इट इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 5 है, माइनस 15 का उधर जाके हो जाएगा प्लस, 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा x, इट इज इक्वल टू 15 में से 5 गया तो 10। तो जो यहाँ पे x की वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी आई है, 10 आई है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि जो उसके ब्रदर की एज है इनमें से एक की वो कितनी है, 1x है, तो इसकी आ गई 10 ईयर्स। ठीक है, और दूसरे की कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2x है, तो 2 into 10। ठीक है ना, x की वैल्यू 10 है तो ये आ जाएगी 20। तो ये हो गई इसकी प्रेजेंट एजेस। ठीक है ना, तो मैं यहां पे राइट कर लेता हूं प्रेजेंट एजेस भी, प्रेजेंट एजेस क्या होगी उनकी, एक की होगी 10 ईयर्स और दूसरे की हो गई 20 ईयर्स। ठीक है, एक की 10 ईयर और दूसरे की 20 ईयर। इसने कहा है आफ्टर 5 ईयर्स उनका जो एज का रेशो है वो कितना हो जाएगा, तो आफ्टर 5 ईयर्स उनका रेशो, अभी कितनी थी 10 थी, ठीक है ना, और दूसरे की कितनी थी 20 थी, तो आफ्टर 5 ईयर्स, तो यहां पे 5 ऐड कर देंगे हम उसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/25। इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 3 5 5 तो आ गया 3/5। तो जो उनकी एज का रेशो आएगा वो आएगा 3:5। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स जो उनकी एज का रेशो बनेगा वो बनेगा 3:5। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 26 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि दो ट्रेन हैं जो स्टार्ट होती हैं पी एंड क्यू से एंड वो दोनों ट्रेवल कर रही हैं एक दूसरे की तरफ एट ए स्पीड ऑफ 50 km/h एंड 40 km/h। इनमें से एक की स्पीड 50 है एंड दूसरे की 40 km/h है एंड टाइम से वो क्या कर जाती हैं, मीट कर जाती हैं। अगर यहाँ पर फर्स्ट ट्रेन जो है वो 100 km ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है सेकेंड से, तो हमें बताना है पी एंड क्यू के बीच की डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसने फर्स्ट ट्रेन 100 km ज़्यादा डिस्टेंस करती है सेकेंड से, इसका मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे सेकेंड ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो पता लग जाती है तो मैं फर्स्ट ट्रेन की निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट की जो है वो क्या है 100 km ज़्यादा है सेकेंड से, तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ सेकेंड ट्रेन जो है डिस्टेंस कवर करेगी वो x किलोमीटर करेगी। ठीक है ना, मैं लेट कर लेता हूँ कि वो x करेगी, तो यहाँ से मैं फर्स्ट की फिर आसानी से निकाल लूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाई सेकेंड ट्रेन, तो जो डिस्टेंस कवर होगी सेकेंड ट्रेन की वो होगी मान लीजिए x किलोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेन कितना करेगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो करेगा इससे 100 km ज्यादा, तो मतलब x प्लस 100 km। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए P एंड Q, ठीक है, एक ट्रेन यहां से स्टार्ट हो रही है, एक ट्रेन यहां से स्टार्ट हो रही है। जो सेकंड ट्रेन है उसके हमने ले लिया यहां पे x किलोमीटर, और Q जो यहां पे है, Q से जो फर्स्ट ट्रेन चल रही है वो ले रही है x प्लस 100 km के डिस्टेंस कवर कर रही है। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या है यहां पे, ये हो जाएगी स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी दी हुई है यहां पे, ये दी हुई है 50 km/h एंड सेकंड ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 40 km/h। टाइम टेकन बाय फर्स्ट कार, तो जो फर्स्ट कार है वो कितना टाइम ले रही है यहां पे, देखिए टाइम निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट कार की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है x प्लस 100। ठीक है, कितनी है x प्लस 100 एंड अपॉन में हो जाएगा स्पीड, तो फर्स्ट कार की जो स्पीड है वो कितनी है, वो है 50, तो x प्लस 100/50 एंड टाइम टेकन बाय सेकंड कार, तो ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो सेकंड कार की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है x, और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड हो जाएगी 40, तो ये हो जाएगा x अपॉन 40। ठीक है ना, तो इतना टाइम जो सेकंड कार है वो लेती है और इतना टाइम फर्स्ट कार है जो वो लेती है। अगर मान लें कि ये दोनों इक्वल टाइम ले रही है, ठीक है, तो हम इनको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे यहाँ पे,
इक्वल रख लेंगे इनको यहां पे, ठीक है। तो मैं इसको राइट कर लेता हूं, ये हो जाएगा x प्लस x अपॉन 40, इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस 100 अपॉन 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं यहां पे, तो 50 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, एंड ये 40 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा 100। तो मल्टीप्लाई कर देता हूं 50 इंटू एक्स, 50 एक्स है ही हमारे पास यहां पे, ये 40 इंटू एक्स एंड ये हो जाएगा 40 इंटू 100 4000। इसको ट्रांसपोज कर लेता हूं मैं इधर, तो 50x माइनस 40x इट इज इक्वल टू 4000, ठीक है। तो ये बच जाएगा यहां से कितना, 10x इट इज इक्वल टू 4000, x की वैल्यू आ जाएगी यहां पे 4000, यहां पे मल्टीप्लाई में उधर जाके इसको डिवाइड करेगा तो x इट इज इक्वल टू आ गया 400। तो 400 क्या है यहां पे, देखिए जो डिस्टेंस कवर की गई है किसके, सेकंड ट्रेन के द्वारा। तो यहां पे मैं राइट कर देता हूं डिस्टेंस कवर्ड बाई, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाई सेकंड ट्रेन। सेकंड ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, ये की है 400 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट ट्रेन, तो फर्स्ट ट्रेन का कितना हो जाएगा, फर्स्ट ट्रेन का देखो कितना x प्लस 100 है, ये है x प्लस 100, तो इसमें कितना ऐड कर दूं, x की वैल्यू ऐड कर देता हूं मैं यहां पे, कितनी है 400, तो 400 प्लस 100 तो ये हो जाएगा 500 किलोमीटर। बट उसने यहां पे क्या पूछा था, उसने पूछा था डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो P एंड Q की डिस्टेंस कैसे आ जाएगी, जितनी सेकंड कार ने की और जितनी फर्स्ट कार ने डिस्टेंस कवर की वो दोनों। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो ये हो जाएगा दोनों कार की जो डिस्टेंस है, तो यहां पे 400 किलोमीटर प्लस 500 किलोमीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 900 किलोमीटर। P और जो Q के बीच की डिस्टेंस है वो है 900 किलोमीटर। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 27, एंड यहां पे हमें दिया गया है कि 9 पर्संस हैं जो होटल जाते हैं अपने मील के लिए, एंड उन 9 में से 8 जो हैं वो हर एक खर्च करता है 12 रुपीज अपने मील के लिए, एंड यहां पे जो 9th पर्सन है वो 8 रुपीज ज्यादा खर्च करता है टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है उसके एवरेज का, ठीक है, जितना भी एवरेज आता है उसका 8 रुपए ज्यादा खर्च करता है। तो यहां पे हमें बताना है कि जो टोटल खर्चा हुआ उनके द्वारा वो कितना था, ठीक है ना, टोटल खर्चा हुआ जो 9 पर्सन के द्वारा वो कितना था। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं इस एवरेज एक्सपेंडिचर को, ठीक है। तो यहां पे देखिए लेट द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 9, ठीक है, जितने 9 पर्सन थे उन सब का जो एवरेज खर्चा था वो कितना था, मान लो वो था रुपीज एक्स। अब देखिए मनी स्पेंट बाई 1 पर्सन, इसने कहा है कि जो 8 लोग थे ना उन्होंने हर एक ने 12 रुपए खर्च किए, तो 1 पर्सन के द्वारा कितना खर्च हुआ यहां पे, वो हुआ 12, एंड 8 के द्वारा कितना होगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 8, तो ये हो जाएगा रुपीज 96, ठीक है। तो जो 8 लोग हैं वो खर्चा कर रहे हैं 96, तो 9th पर्सन कितना कर रहा है खर्चा, वो कर रहा है एवरेज एक्सपेंडिचर का 8 रुपीज ज्यादा, तो एवरेज कितना है, ये है एक्स रुपीज, ठीक है ना, तो इसका 8 ज्यादा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसमें क्या कर लेते हैं, जो ये एवरेज एक्सपेंडिचर है ना एक्स, ये किसके इक्वल होगा, इनके, ठीक है ना, 8 पर्सन का है जो 96 और ये है हमारे पास x प्लस 8, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे 9 से, ठीक है, क्योंकि ये जो है टोटल जो खर्चा है ये किसका है, 9 का है, 96 8 का है और x प्लस 8 जो ये 9th पर्सन का है, तो इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये इसकी एवरेज के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो अभी क्या कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 9x, इट इज इक्वल टू यहां पे 96 और प्लस एक्स प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा 9x, एंड यहां पे x को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये माइनस में जाएगा, एंड 96 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 104। तो इसको कर लेते हैं 9x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, यहां पे मैं राइट कर देता हूं तो ये बचेगा 8x, इट इज इक्वल टू 104 यहां से, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 104 अपॉन में 8, तो ये 8 बन जा एंड 8 ये हो जाएगा 3 जा, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 13 आ गया, ठीक है। तो ये एवरेज एक्सपेंडिचर आ गया इसका, कितने थे यहां पे लोग टोटल, ये थे 9, तो यहां पे मैं राइट कर देता हूं टोटल मनी स्पेंट बाई 9, तो यहां पे ऐसे ऑल राइट कर देता हूं मैं, टोटल मनी स्पेंट बाई 9 पर्संस, ठीक है, तो 9 पर्संस ने कितना स्पेंड किया, तो इन्होंने किया ये 9 इंटू
13 तो हो जाएगा रुपीज 117।